वाले हैं। आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो MongoDB हमने छोड़ा था ना। सही। और आपने वो ये देखा VS Code का अलेक्सा स्किल्स टूलकिट? असल में वो मेरे पास आपने देखा होगा इंस्टॉल है, वो शो हो रहा होता है साइट पे, बट वो मैंने एक बार चलाने की कोशिश की थी काफी पहले, कोई 6-8 महीने पहले, लेकिन वो ब्रेक हो रहा था, तो मुझसे वो चला नहीं था, ब्रेक हो रहा था उस वक्त, तो मैंने एक बार दोबारा ही टेस्ट करके देखते हैं ना, क्योंकि मैंने रिसेंटली जब इंस्टॉल किया तब चल रहा था। हाँ तो उसको टेस्ट कर लेते हैं पहले, यही कर लेते हैं, पहले हम सही। उसको टेस्ट कर लेते हैं। चलिए आपने यहाँ। एनपीएम का कोई पैकेज पब्लिश किया? हाँ असल में मैं एक पैकेज पब्लिश करना चाह रहा था, बट मुझसे वो वर्जन गलत लिखा गया, वो कह रहा है कि 24 घंटे तक अब आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन वो गिटहब में पुश कर दिया मैंने, आपको मैं लिंक भी दे देता हूँ उसका। लिंक क्या, वो टॉप पे ही आ रहा होगा, पब्लिक रिपोजिटरी है ये, गूगल क्रेडेंशियल हेल्पर। असल में गूगल अच्छा वालों ने ना, जो अभी हम इंशाल्लाह डायलॉग फ्लो पढ़ेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों बनाया है। तो उसमें सही क्या होता सही। है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल में ना उसका पाथ लगाना होता है कि आपका सर्विस अकाउंट का हाँ जो क्रेडेंशियल है वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो वो ना बहुत ही हाँ हैक्टिक है और सब लोग उस पर बड़ा कह रहे हैं कि यार ये क्यों कर दिया इन्होंने। उसके कुछ एक दो भी सॉल्यूशन और भी लोगों ने किए ना, तो मेरे जहन में भी एक सॉल्यूशन था, तो मैंने भी वो इम्प्लीमेंट कर दिया। 2 घंटे लगे मुझे, तो मैंने कहा चलो किसी के काम ही आ जाएगा, कुछ मेरे अपने काम आएगा, सबसे बड़ी बात मेरे स्टूडेंट्स के काम आएगा। सवाल। हाँ सवाल ही नहीं, हमारे सबके काम आएगा और आपके भी काम आएगा। हाँ अच्छा, तो मैंने ये ओपन कर लिया रीसेंट, और रीसेंट से उड़ा दिया मैंने शायद सब। ओके, डेस्कटॉप क्लास ऑनलाइन एंड ओपन। अच्छा ये यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं ये CLI, इनका टूल। अच्छा मैंने कहा साइन इन, एक मिनट मैं बैक जाके जरा इसको चेक लगा दूं, बैक नहीं जाने देगा ये, चलो अलाउ, क्लोज करके वापस कर लो। साइन इन सक्सेसफुल। चलिए गेटिंग स्टार्टेड, ये तो डॉक्यूमेंट्स का लिंक है राइट, ये तो लिंक्स हैं डॉक्यूमेंट के जो नीचे इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिएट अ अच्छा, स्किल, डाउनलोड एंड एडिट स्किल, डाउनलोड एंड ये एडिट डाउनलोड करना। एंड एडिट स्किल से जो हमने बनाए हुए हैं ना वो सारे हमें अवेलेबल हो जाते हैं, तो अगर आप वेदर ऐप या फिर कोई आप ये करोगे तो वो आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट। इसको मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ और इस न्यू फोल्डर के अंदर इसको मैं करता हूँ डाउनलोड। ये डेस्कटॉप के ऊपर न्यू फोल्डर के अंदर मैंने किया, अच्छा तो ये यहाँ पर आ गया, वो अभी ये आ रहा है। अच्छा यहाँ पे कहीं मुझे प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा ये। नीचे राइट बॉटम राइट। अच्छा ओपन भी कर दिया वो वाला, सही है बिल्कुल। अलेक्सा डेमो क्लास, ये इसमें कौन सा वाला खोला है, यही वाला खोला है क्या, अलेक्सा डेमो क्लास है नहीं ना। नहीं क्यों, हम अलेक्सा डेमो क्लास में नहीं थे, हम थे वेदर ऐप के आगे। हमने क्या बनाया हमजा, आपको याद है वेदर ऐप के बाद हाँ हमने क्या हाँ नहीं, बनाया? अभी जो मैंने क्लोन किया वो यही वाला खुला है। अच्छा ये हाँ क्लोन तो इंटरेक्शन ये मॉडल भी आ किया गया है, और ये आ गया। लेकिन हम किसी और पे हाँ काम हाँ कर रहे सही थे है सही है। उसी का। अच्छा सलील, आपके कहने पे मैंने इसको चला के तो देख लिया, लेकिन
मेरा जो इसको लेकर है, क्योंकि बुक में भी अगर आप देखेंगे ना, तो बुक में ना एक ASK CLI करके एक चीज डिस्कस हुई हुई है, बट वो मैंने कवर नहीं की है इस कोर्स में, मतलब मैंने आपको वो बातें नहीं बताई। बुक में आप खुद चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये ASK CLI का ही थोड़ा सा इनहांस वर्जन है, मगर मुझे ना इसका पॉइंट समझ में नहीं आया कि इन्होंने ये क्यों बनाया है, मतलब इस तरह से क्यों बनाया है इन्होंने। क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे हाथ से एडिटिंग करनी है सारी, तो इस मतलब इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि ये चीजें हाथ से लिखना ना, मतलब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। या तो कोई स्क्रिप्ट के जरिए आप जनरेट कर रहे हो, बट अगर मैं जनरेट करूंगा तो मैं फिर इनकी एक SMAPI के नाम से एक और भी इंटरफेस है इनका, तो उसके थ्रू मैं डायरेक्टली पुश कर दूंगा, अलेक्सा के सर्वर पे ही पुश कर सकता हूँ मैं। ठीक है, मतलब ये क्रिएट इंटेंट जो हम हाथ से करते हैं ना, क्रिएट इंटेंट दबाते हैं फिर इन सब लिखते हैं, तो वो सब चीजें हम REST API के थ्रू भी करवा सकते हैं। ठीक है, इनका एक मैं बल्कि वो दिखा भी देता हूँ, उसका नाम है अलेक्सा SMAPI नाम है उसका। यार ये गूगल क्रोम मेरा कुछ, गूगल क्रोम को कुछ हो गया, आपका वीडियो अटक गया। हाँ, मेरे पास गूगल क्रोम भी अटक रहा है, I'm not sure, शायद गूगल क्रोम को मुझे क्लोज करके अप करना होगा। अपडेट करके चेक कर लो, अगर अपडेट कोई बाकी होगा उसका तो। अपडेट तो नहीं आया, पर अपडेट तो फिर नहीं आया। अभी मेरा चल पड़ा वीडियो? हाँ, वीडियो चल पड़ा। सही है। अच्छा, तो अब मैं क्या लिखने वाला था इसमें, हाँ, अलेक्सा SMAPI इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रहा SMAPI के नाम से इनकी एक चीज है। हम ये कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बट ये ऑप्शन अवेलेबल है और ये बहुत ही इजी है, अगर आप इसको करेंगे ना तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है। तो ठीक है, गेट एक्सेस टोकन का ये पूरा प्रोसीजर है। इसके थ्रू क्या होता है कि आप ये चार इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, वेयर टू प्रोवाइड एक्सेस टोकन। अब जब ये आप API कॉल करेंगे ना, तो उस API में आपको इस तरह करके ना, ऐसे करके टोकन पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये टोकन जनरेट करना बता रहा है, तो जितनी भी APIs यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं SMAPI के अंदर, वो ऐसे रिक्वेस्ट होगी और उसका होस्ट जो है वो ये होगा, मतलब URL जो बेस URL है वो ये होगा, कॉन्टेंट टाइप एप्लीकेशन JSON होगी, और ऑथराइजेशन करके एक हेडर भेजेंगे आप जिसमें बेयरर होगा, और उसके बाद वो टोकन होगा जो अभी यहाँ पे जनरेट करना बता रहे हैं ये। हाउ टू गेट द टोकन, कह रहा है कि भाई यू आर बोथ रिसोर्स ऑनर एंड क्लाइंट, अभी डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि भाई आपका खुद का अकाउंट है तो ये पहला वाला आप करें, ऐसे क्लिक करें टोकन मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यू आर अ क्लाइंट बट समवन एल्स हैज रिसोर्स ऑनर, कह रहे हैं कि आप जो है वो क्लाइंट हैं, यानी कि आपको एक्सेस दिया हुआ है लेकिन ऑनर कोई और है, तो उस सूरत में ऐसे करके होगा। ठीक है, फिर तीसरी एक सिचुएशन दी हुई है कि भाई ऑनर भी कोई और है और क्लाइंट भी कोई और है, दोनों ही कोई और है, सॉरी यू आर द ऑनर और क्लाइंट कोई और है जो यूज करेगा, तो उसको फिर इस तरह करके, तो ये तीन सिचुएशन है। हमारे केस में पहला वाला चलेगा क्योंकि हम ही दोनों हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये कह रहा है कि गेट एन एक्सेस टोकन, यानी पहला वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ मजीद एक्सप्लेन किया जा रहा है। कह रहा है कि भाई यहाँ पे जाए आप इस जगह पे, और यहाँ पे जाके ना वो कुछ बातें पूछेगा, वो आप बता दें उसको, तो आपको टोकन जनरेट एन एक्सेस टोकन का बटन आ जाएगा बना हुआ, क्लिक करेंगे आपको वो टोकन मिल जाएगा। तो ये टोकन आ गया। अच्छा, टोकन मिलने के बाद अब हम इंटेंट क्रिएट वाला जो है ना वो जरा देख लेते हैं। इंटेंट रिक्वेस्ट हिस्ट्री में ना वो बताएगा कि कौन कौन इंटेंट से बातें कर चुका है। SMAPI मैनेज अलेक्सा होस्टेड स्किल, अलेक्सा होस्टेड स्किल पे क्लिक करते हैं, यहाँ होगा इसका ऑप्शन। ठीक है जी, बहरहाल इसमें जो जो होता है ना, यानी जो जो आप इंटरफेस से काम कर रहे होते हैं वो सारा, असल में जो भी बटन आप क्लिक करते हैं ना इसी API को वो कॉल कर रहा होता है। ठीक है, इनका जो डैशबोर्ड है ना वो पूरा इसी पे चल रहा है। ये तो मैं समझ गया, मैं जो कोड की आपको सजेशन दे रहा था ना वो इस लिहाज से दे रहा था, जो हम कोड पे आके लिखते हैं ना, जो मतलब मैं बिल्ड के टाइम पे इसी इनके कंसोल से ही बिल्ड करूं, और जब कोड पे आऊं ना तब मैं यहाँ से कोड करूं, क्योंकि लाइक वो जो हमारे शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं वो वहां पे नहीं, उसके कोड एडिटर में नहीं मिल रहे थे, याद है हम बात कर रहे थे, तो उन उस मतलब वो लैम्डा फंक्शन को एडिट करने के लिए ये अच्छी चीज है, ऐसे मैं कहूंगा। अच्छा, मैं ये बिल्कुल आपका कंसर्न समझ गया, मेरा भी कंसर्न यही है। ठीक है, मेरा भी कंसर्न यही है, और जब ये वाली प्रॉब्लम आई थी तो उस वक्त अगर आपको याद हो मैंने जिक्र किया था कि इसका प्रॉब्लम का हम जल्द सॉल्यूशन करने वाले हैं।
ठीक है, तो आज हम उसी सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं मेरा ख्याल है। अच्छा, वो सॉल्यूशन क्या है कि अभी अगर मैं देखूं, इसको मैं कर देता हूं उस कोने पर। अभी अगर मैं देखूं कि यार मेरे पास गूगल क्रोम पता नहीं क्यों अटक रहा है, क्लोज करूंगा तो मीटिंग भी क्लोज हो जाएगी ना, मसला ये, इसलिए मैं क्लोज नहीं कर सकता। मीटिंग के टैब को अलग लेके आना और बाकी के इसको क्लोज कर देना। मीटिंग का टैब वैसे तो अलग ही है, लेकिन आप स्मूथ चल रहा है, आप स्मूथ है। अच्छा, असल में कल की जो मैंने क्लास कैंसिल की थी ना, उसका भी रीजन यही था कि कहीं ना इंटरनेट का इशू था कल बहुत ज्यादा, क्योंकि आसपास की सारी जगहों पे ना इंटरनेट डिस्टर्ब था। तो अभी मैं जरा एक बार चेंज चेक भी कर लेता हूँ कि इंटरनेट क्या आज भी डिस्टर्ब तो नहीं है। इंटरनेट तो सही है आज। अच्छा, तो मैं क्या लिखने लगा था, अच्छा मैं अलेक्सा स्किल किट का ना वो भी खोल लेता हूँ। अलेक्सा स्किल किट के मैं कॉन्सोल पे भी चला जाता हूँ जहाँ पे हमारी स्किल सारी बनी हुई है, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम अब अगला काम जो है ना वो क्या करने वाले हैं, और मैं अलेक्सा डेमो क्लास के अंदर चला गया। अच्छा, यहाँ पे जब हम कोड लिखते हैं इसका कोड, तो बाय डिफॉल्ट ये हमें एक लैम्डा फंक्शन बना के दे देता है। अच्छा, बावजूद इसके कि लैम्डा फंक्शन एक पेड सर्विस है, जी फ्री सर्विस नहीं है, ठीक है, ये पेड प्लान में मिलता है, और लेकिन अलेक्सा स्किल किट से जब आप अकाउंट बनाते हैं तो ये आपको ना लैम्डा फंक्शन कम्प्लीटली फ्री हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, तो मगर स्टिल लैम्डा फंक्शन के कुछ डाउन साइड्स हैं। फिर लैम्डा फंक्शन में एक लिमिटेशन सबसे बड़ी ये आती है कि हमें एडिट इसको यहाँ पे करना पड़ता है। चले, उसका भी सॉल्यूशन अगर हम ये समझ लें कि जो हमने अभी वीएस कोड का टूल देखा है उसके जरिए हम कर लें, तो वहां पे भी ना हमें क्या करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे तो डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं तो ठक करके फॉरन डिप्लॉय हो जाता है, वहां से जब डिप्लॉय करते हैं ना तो वो पूरे को जिप करता है और जिप करके उसको लेके जाता है, तो थोड़ा सा उसमें ना 1-2 सेकंड का ज्यादा टाइम लगता है, राइट। अच्छा, 1-2 सेकंड ज्यादा टाइम लगने से होता ही है कि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है कभी कभी ना, क्योंकि यार बार बार आपको कोड अपडेट करना होता है और बार बार उसको टेस्ट करना होता है, राइट। तो अगर आपको हर बिल्ड पे 2-3 सेकंड अगर वेट करना पड़े तो काफी फ्रस्ट्रेशन रहती है, तो अगर इसको किसी तरह ओवरकम किया जा सके तो ज्यादा बेहतर है। तो इसके लिए अलेक्सा स्किल किट में जब आप जाएंगे ना बिल्ड पे, तो यहाँ पे इन्होंने एंड पॉइंट्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये एंड पॉइंट का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, एंड पॉइंट के ऑप्शन पे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि भाई अभी जो आप यूज कर रहे हैं वो AWS लैम्डा यूज कर रहे हैं ARN के थ्रू, ठीक है। ARN क्या होता है, मतलब Amazon के इंटरनल जितने भी रिसोर्सेस क्रिएट होती हैं उन सब का एक ARN एड्रेस होता है, ठीक है। तो इस लैम्डा फंक्शन का ना HTTP URL नहीं होता, वैसे आमतौर पे अगर आप लैम्डा फंक्शन बनाते हैं तो आपको एक HTTP URL मिल जाता है उसके अगेंस्ट, वो आप हिट करते हैं तो वो फंक्शन चल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ARN के थ्रू कॉल हो रहा होता है। तो कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट तो है ये। अच्छा, इसके अलावा HTTP एंड पॉइंट भी लगाने का ऑप्शन मेरे पास है, ठीक है। अब HTTP एंड पॉइंट लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना खुद का सर्वर लिखना पड़ेगा, और खुद का सर्वर लिखने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसको उसका URL यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो क्या होगा कि जब भी मैं अलेक्सा से बात करूंगा या पब्लिश होने के बाद जब लोग अलेक्सा से बात करेंगे तो उसकी जो रिक्वेस्ट आएगी वो मेरे HTTP सर्वर के ऊपर आएगी। अच्छा, अब पहली नजर में सुनने में ये थोड़ा सा ऐसा भी फील हो सकता है आपको कि यार जब हमारे पास एक बंदा फ्री में हमें दे रहा है
लैम्डा फंक्शन, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि भाई हम बिला वजह अपना जो है ना एक अलग से सर्वर खड़ा करें, और यानी जाहिर है मेंटेन भी करना पड़ेगा जब हम सर्वर खड़ा कर लेंगे तो। लेकिन अब उसका अपसाइड जो है ना वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, तो उसके उसके लिए हम ये जोखिम उठाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। डाउनसाइड तो ऑटोमेटिक जहन में आ गया कि भाई एक एक्स्ट्रा सर्वर हम बना रहे हैं, फिर वो एक फ्री की चीज दे रहे हैं, उसको छोड़ के हम जाहिर है खुद का सर्वर होगा तो वो किसी ना किसी लेवल पे जाके पेड होगा। चलो शुरू में तो हरिको पे या गूगल क्लाउड गूगल ऐप इंजन पे कर देंगे, तो शुरू में वो एक डाइनो फ्री देते हैं सब लोग, तो चलो उस पे शुरू में चल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसके पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल फ्री है। तो ये सारे डाउन साइड तो हमने देख लिए। सबसे पहला अपसाइड उसका ये है कि आमतौर पे जो भी लोग अलेक्सा की स्किल बना रहे हैं उनका पहले से कोई ना कोई ऐप बनी हुई है जिसका छोटा पार्ट वो अलेक्सा पे बना रहे हैं, ठीक है, या गूगल असिस्टेंट पे बना रहे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी एक सर्वर मौजूद है, राइट। अगर वो समटाइम वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे, समटाइम वो नैनो सर्विस आर्किटेक्चर पे, लेकिन है उनका सर्वर कहीं ना कहीं, या तो जो वेबसाइट से रिक्वेस्ट आती है, जो मोबाइल ऐप से रिक्वेस्ट आती है, वो कहीं ना कहीं सर्वर उनके पास मौजूद है। तो ये अलग से सर्वर खड़ा करने की तो बात ही नहीं है, सर्वर तो है मौजूद है, उसी में जस्ट एक एंड पॉइंट ऐड हो जाएगा जो ये वाला होगा हमारा वाला, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई, तो अलग से सर्वर खड़ा करने की कोई टेंशन नहीं है इसमें, वो पहले से मौजूद होता है ज्यादातर केसेस में। दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, आपका जब खुद का सर्वर होता है तो बहुत सारी चीजों पे ना आपका बेटर कंट्रोल होता है। मिसाल के तौर पे ये जो लैम्डा फंक्शन है ना, ये हैं तो बड़े अच्छे लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड है, ये लॉन्ग लिव फंक्शन नहीं है। अगर आप कोई सॉकेट वगैरह टाइप की चीजें करना चाहते हैं ना, कि भाई कोई भी बंदा अगर एलेक्सा स्किल किट पे हिट करता है तो रियल टाइम में कोई दूसरा काम करवाना चाहते हैं आप, तो वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो ये बात नहीं समझ आई, सॉकेट क्या होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे जो शॉर्ट लिव्ड फंक्शंस होते हैं, जो नैनो सर्विस आर्किटेक्चर है, नैनो सर्विस मतलब लैम्डा फंक्शन अमेज़न के और गूगल के क्लाउड फंक्शंस जो है, ये दोनों नैनो सर्विस आर्किटेक्चर है, ठीक है, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड का मतलब ये है कि ये कोड ना डेड होता है, ठीक है, ये कोड डेड होता है, जब आप इसको हिट करते हैं तो इसका एक कंटेनर उसी वक्त पॉप होता है। जब आप इसको कोड को रिक्वेस्ट आती है ना जब इसके ऊपर, तो उसी वक्त उस रिक्वेस्ट को थोड़ी देर तक रोक के रखा जाता है, और थोड़ी देर तक रोक के रखे ना उसी वक्त इसको पॉप करते हैं, एक कंटेनर छोटा सा आप कर देते हैं इसका, और उसमें ये कोड चलता है, और कोड चलने के बाद ना वो कंटेनर दोबारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, और ये जो कंटेनर जो पॉप होता है ना, इसकी एक लिमिट होती है टाइम की ना, कुछ में 300 सेकंड्स है, कुछ में 500 सेकंड्स है, कुछ में 600 सेकंड्स है, ठीक है। जैसे गूगल जो है वो फ्री में कुछ थोड़ा कम टाइम देता है, पेड वाले में वो थोड़ा 600-800 सेकंड तक देता है टाइम। तो वो कोड में आपने जो भी चीज बनाई हुई है, डेटाबेस से कनेक्शन किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, वो 600 सेकंड के बाद लाजमी वो खत्म हो जाएगा, तो इसको कहते हैं शॉर्ट लिव्ड। तो उसमें अगर आपने किसी किस्म का कोई वॉच लगाया हुआ है ना, कि भाई यानी जैसे हमने MongoDB से कनेक्ट किया हुआ होता है, तो वो कंटिन्यूस कनेक्शन होता है, एक वॉच लगा हुआ होता है कि भाई अगर इस सर्वर पे कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उसके अगेंस्ट कोई ट्रिगर करना चाहते हैं या कोई क्रॉन जॉब लिखना चाहते हैं। क्रॉन जॉब का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो हर 10 सेकंड पे हो रही हो, ऑटोमेटिकली कुछ चेक कर रही हो, तो इस तरह की चीजें इस पर नहीं हो पाती। जैसे सॉकेट क्या है, रियल टाइम जितनी भी चीजें हो रही होती है उसके लिए सॉकेट इस्तेमाल होता है, ठीक है। सॉकेट एक प्रोटोकॉल है, जैसे HTTP है, ऐसे ही वेब सॉकेट करके एक प्रोटोकॉल है। उसमें क्या होता है कि HTTPS कॉलन होता है ना URL में, उसमें होता है WSS:// तो उसमें रियल टाइम की चीजें हो रही होती है। मिसाल के तौर पे जब आप किसी वेबसाइट पे खड़े हुए होते हैं और नोटिफिकेशन आता है, चड़िंग करके आवाज आती है और कोने में बैज बन जाता है बगैर पेज रिफ्रेश किए हुए, तो ये सॉकेट के थ्रू हो रहा होता है। तो अगर मैं कोई रियल टाइम डैशबोर्ड बनाना चाह रहा हूँ एडमिन लेवल पे, ठीक है, एडमिन का एक डैशबोर्ड बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पर सेकंड पे कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किस कंट्री से रिक्वेस्ट आ रही है, क्या आ रहा है, तो उसके लिए मुझे एक सॉकेट लगाना पड़ेगा अपने सर्वर पे। और कौन सा सर्वर पे, मेरा जो कोड है उसके सर्वर पे, यानी जो अलेक्सा का जो कोड है उसके सर्वर पे मुझे सॉकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और सॉकेट पे वो जब जब रिक्वेस्ट आएगी उसका वो सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा और मुझे डंप करेगा एक डेटाबेस में, और उसके जरिए मैं चार्ट्स बना के दिखा दूंगा एडमिन को। तो वो चीज, फिर सॉकेट वाली चीज भी इसमें पॉसिबल नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, फिर Node.js का कौन सा वर्जन इस्तेमाल करना है? लैम्डा फंक्शन में जो Node.js का वर्जन इस्तेमाल हो रहा है वो थोड़ा सा पुराना है,
तो उसमें बहुत सारे स्टेट ऑफ द आर्ट कोड जो है ना वो आपको नहीं मिल पाता, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम अभी देख लेते हैं, AWS लैम्डा फंक्शन नॉड वर्जन, अभी देखते हैं उसमें नॉड का वर्जन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। लैम्डा रन टाइम, अच्छा 10 है, 12 है और 14 है, ठीक है, तीन इसमें है। अब हमारे पास जो है ना 16 तक आ चुका है, तो अगर आप कोई ऐसा फीचर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो नॉट जिया 16 में जो होता है, तो वो ना नहीं मिल पाएगा। अच्छा मेरा ख्याल है डिफॉल्ट इसका 10 है, ये डिफॉल्ट नहीं बता रहे कि डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट कहीं पे लिखा हुआ होगा इसके कि डिफॉल्ट क्या है, गूगल से पूछ लेते हैं डिफॉल्ट क्या है। डिफॉल्ट इसमें आ रहा नहीं है, डिफॉल्ट डिफॉल्ट 14 है रन, अच्छा 14x नाउ अवेलेबल, ये कब आया है 2021 में, हाँ तो मतलब 14 इसका लेटेस्ट है। ऑन अदर हैंड हमारे पास जो नॉट जेएस अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे ना ये 16 पॉइंट समथिंग जो है वो लेटेस्ट है, अभी इसका 16.4 जो है 16.14 लेटेस्ट है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो 16 में आपके पास सही चल रही होती हैं, 14 और 15 में वो फीचर्स जो थे या तो वो रिलीज नहीं हुए थे या तो वो रिलीज कैंडिडेट थे, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल में थे वो फीचर। बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो एक्सपेरिमेंटल में थे, जैसे मॉड्यूल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लिखते हैं ना .mjs, तो ये .mjs जो है ये 14 में काम तो करता है लेकिन 14 में ये फीचर एक्सपेरिमेंटल था, अभी 16 में जाके इन्होंने रिलीज किया है, ठीक है। Node.js फीचर्स, न्यू फीचर्स लिखते हैं बल्कि हम इसको, फीचर्स बाय वर्जन भी देख सकते हैं। Node.js 16 न्यू फीचर्स, तो यहाँ पे ना कुछ 2021 की बात है, 16 में जो इन्होंने कंट्रोल शिफ्ट एन करके ही पहुंच सकते हैं। अच्छा ये इन्होंने कुछ चीजें की हैं, स्टेबल रन स्टेबल टाइमर प्रॉमिस एपीआई, ये इन्होंने कोई चीज लॉन्च की है, टूल चेन फॉर कंपाइलर अपग्रेड, अभी डेवलपर लेवल की भी कोई एक दो चीजें हैं इसमें, सेट टाइम आउट, सेट इमीडिएट, सेट इमीडिएट तो मैंने भी खैर पहली बार ही देखा है, मैंने इससे पहले यूज नहीं किया ये। अच्छा ES मॉड्यूल जो है, जो MJS वाली जो चीज है वो इन्होंने इसमें, इससे पहले भी वाले में भी करती है काम, मगर इसमें इन्होंने उसको प्रॉपर कर दिया है, मतलब क्या LTS में दाखिल कर दिया है। सही। अच्छा तो खैर, तो हमने क्या सीखा कि यार इसमें ना हम इनको ये नहीं बोल सकते लैम्डा फंक्शन में कि आप 16 वर्जन पे हमारा चला दो, क्योंकि इन्होंने 16 वर्जन अभी तक लगाया ही नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। 14 इनका मैक्सिमम है जो हम यूज कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 14 पे वो चल रहा होगा, या हो सकता है वो 10 पे चल रहा हो, या हो सकता है 14 को उन्होंने कुछ पेड वेड रखा हुआ, 10 को उन्होंने फ्री में रखा हुआ। तो अच्छा ऑन अदर हैंड जो जो नॉट जेएस के सर्वर को होस्ट करते हैं, जैसे हरिको है, वो क्लाउड प्रोवाइडर है हरिको, तो वो उनका तरीका क्या होता है, गूगल ऐप इंजन जो है वो भी क्लाउड प्रोवाइडर है, तो इनका तरीका ये होता है कि जो LTS होता है ना जितना भी, वो ये लाजमी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिस ये मिसाल के तौर पे इस वीक अगर LTS रिलीज हुआ है तो एक हफ्ते या दो हफ्ते का ये टाइम लेते हैं, जिसमें ये सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह की चीजें करते हैं, कुछ इंटरनल टेस्टिंग करते हैं, तो वो करने के बाद ना ये फौरी तौर पे जो LTS को तो दे देते हैं, LTS को ये मना नहीं करते आमतौर पर। अच्छा तो अच्छा अगर एक कोई मना कर रहा है तो हम दूसरा प्रोवाइडर हमारे पास सामने खड़ा हुआ होता है, तो हम वो दूसरे प्रोवाइडर के पास चले जाते हैं। ऑन अदर हैंड जो AWS के लैम्डा फंक्शंस हैं वो मेरे पास उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। मुझे अगर मैंने AWS के लैम्डा फंक्शन लिखे हैं तो वो फंक्शन मेरे लिए जरूरी है कि मैं AWS पे ही होस्ट कर सकता हूँ, गूगल पे भी होस्ट नहीं कर सकता, हालांकि गूगल भी इसका कॉम्पेटिटर ही है, उसने गूगल क्लाउड फंक्शन इसके साथ में लाके खड़ा किया हुआ है, बट उसका सिंटैक्स अलग है, इसका सिंटैक्स अलग है। अब एज इट इज मैं उठा के डंप करूंगा वो चलेगा ही नहीं। ऑन अदर हैंड जो एक्सप्रेस जेएस का लिखा हुआ सर्वर है, जो नॉट जेएस का क्लासिक सर्वर है, जो
वो कोई भी नॉर्ड जेएस के प्रोवाइडर के पास आप उसको होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे AWS की जो का जो है सर्विस, उसका नाम है इलास्टिक बीन स्टॉक, उस पे कर सकते हैं। गूगल के पास है गूगल ऐप इंजन, उस पे कर सकते हैं। फिर हरिको पे कर सकते हैं। फिर जो EC2 की मशीनें होती हैं, यानी इंस्टेंस जो होता है, उस पे भी खुद का लिनक्स का इंस्टेंस बना के भी कर सकते हैं। जैसे गूगल का जो खुद का लिनक्स का इंस्टेंस है, उसको वो कहते हैं EC2 इंस्टेंस कहते हैं गालबन, सॉरी उसको कहते हैं कंप्यूट इंजन। हाँ, EC2 जो है वो EC2 AWS का है, तो वो उसको कंप्यूट इंजन कहते हैं और ये उसको EC2 इंस्टेंस कहते हैं। तो कंप्यूट इंजन क्या होता है, वो लिनक्स की एक मशीन बना के दे देते हैं पूरी, उसमें स्टेटिक IP होती है, गेटवे लगा हुआ होता है, तो उसमें आप जो भी चीज रन करें तो उसमें भी रन कर सकते हैं उसको हम। उसके अलावा थर्ड पार्टी बहुत सारे अनलिमिटेड लोग हैं जो Node.js की होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक इंडिया की भी एक कंपनी है, वो भी लोग काफी यूज करते हैं, अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, Node.ly करके इस तरह करके कुछ नाम है उसका ना, Node.ly इस तरह करके नाम है कुछ उसका, नहीं भूल गया मैं नाम उसका। तो वो भी बड़ा अच्छा दे रहे हैं, यानी इंस्टेंस देते हैं, वो हरिको की तरह नहीं है, डायरेक्ट होस्ट नहीं है, इंस्टेंस बना के देते हैं, जो मर्जी चला लो उसके ऊपर आप। तो हमारे पास ना HTTP वाला ये लगाने में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, ऑप्शन ज्यादा है हमारे पास, इस वजह से हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम, ये तो हो गई प्रोज एंड कॉन्स की बातें कि भाई क्या हमें HTTP करना चाहिए, तो उसका हमने जवाब ये सीखा कि केस टू केस ये वेरी करता है। अगर तो भाई आपका यूज केस AWS लैम्डा में पूरा हो रहा है तो आप वो कर लें, लेकिन आमतौर पर यूज केस जो होता है वो AWS लैम्डा पे फंस जाता है, नहीं हो पाता। तो इसलिए इस कोर्स में हम, मैंने ये डिसाइड किया कि आपको HTTP वाला भी सर्वर बनाकर दिखाया जाए। अच्छा, अब HTTP वाला सर्वर बनाने के लिए ऑप्शन क्या अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलेक्सा स्किल किट एंड पॉइंट, ठीक है जी। एंड पॉइंट की डॉक्यूमेंटेशन में आ गया मैं, और एंड पॉइंट के डॉक्यूमेंटेशन में एक सवाल आगे बढ़ने से पहले, जो हमने जैसे ये देखा था कि लैम्डा फंक्शंस में ट्राई कैच या फिर एसिंक अवेट का मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे और कोई उसके लिमिटेशंस हैं जो हमें ज़हन में रखने हैं जस्ट बिफोर वी मूव ऑन टू द एंड पॉइंट APR? यार इनका जो एडिटर है ना, इनका जो एडिटर है, असल में अगर Node.js का 14 वर्जन ये इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो Node.js का 14 वर्जन ना इतना एडवांस है कि उसमें लेटेस्ट एप्लीकेशंस चल सकती हैं। लेकिन हमने 12 ये नोट किया है, अगर आप पिछली वीडियोस भी देखें तो उसमें भी आपको ये पता चलेगा कि सम टाइम क्या होता है, मैंने बैकटिक से लगा दिया स्ट्रिंग, तो उसको ना वो एरर बोल रहा है, उसको बोल रहा है वो एरर है, ठीक है। हालांकि वो जावास्क्रिप्ट में वो एरर नहीं है। तो इनका जो असल में Node.js पीछे जो लगा हुआ है उसका इतना मसला उसका भी नहीं है, इनका जो एडिटर है ना जो वेब में लगा हुआ है, वो एडिटर क्या करता है, वो उसको इंटेलिजेंस जो लगी हुई है ना उसमें वो पुरानी लगी हुई है, तो वो बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के कोड को बोलता है कि ये गलत है, उसमें एरर शो करना शुरू कर देता है। अच्छा, जब तक वो एरर रिजॉल्व नहीं होगा वो डिप्लॉय का बटन नहीं प्रेस करने देगा आपको, ठीक है। आप अगर ये CLI से भी करते हैं ना ये काम, तो CLI में भी वो आपको रोक देता है, क्योंकि सेम वहां पे भी लगा हुआ है, उसका जो वैलिडेटर जो है ना वैलिडेट करता है, वो सेम CLI पे भी लगा हुआ है, तो वहां पे भी आपको वो रोक देगा। तो इस तरह की ना कुछ, आप समझ रहे हैं, इस पे ना तवज्जो नहीं है इनकी, और कोई मसला नहीं है। मतलब जिस तरह से हरिको अपने प्लेटफॉर्म पे तवज्जो देगा ना, उस तरह से ये दे नहीं पा रहे, क्योंकि इनके पास करने को बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि देखें, अलेक्सा जो है वो NLP प्लेटफॉर्म है, वो कोई क्राउड प्रोवाइडर तो है नहीं, तो उनका असल में इन चीजों पर तवज्जो नहीं है। और कस्टमर का कंप्लेन, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इन चीजों की कंप्लेन करूं। मतलब वो ऐसा बोला जाता है मार्केटिंग में कि आपको अगर एक बंदा कंप्लेन कर रहा है तो उसका मतलब है 100 लोग फ्रस्ट्रेट होके आपका माल छोड़ के जा चुके हैं, और एक ने हिम्मत की कि वो कंप्लेन कर रहा है आगे। सही बात। तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं इनको कंप्लेन करूं, मैं तो बेटर सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगा। टोटली मेक सेंस, इनके पास बहुत सारी करने के लिए चीजें, फोकस नहीं किया होगा इन्होंने सारी चीजों पे। इनके पास ना एक मसला और भी है, एक मसला इनके पास और ये है कि ये असल में इंटरनली तो क्लाउड प्रोवाइडर है ना ये, तो ये उसके साथ ना जो सिस्टम जो सिंक है उसमें सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज हैं, तो ये कोई भी चीज जब चेंज करते होंगे ना, तो वो उसको अप्रूव होते होते 2 महीने लग जाते होंगे,
प्रायोरिटी में है नहीं ना, प्रायोरिटी में बहुत नीचे है कहीं पे ये चीजें इनके लिए, हाँ, तो इसलिए उसको अप्रूव होते होते 2 महीने लग जाते होंगे फिर। इस वजह से ना अगर कोई कंप्लेन करता भी है इसकी, तो वो इतनी जल्दी ये चीजें इम्प्रूव होना मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं। अच्छा तो हम अब यहाँ आ जाते हैं एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पे खड़ा हूँ ना मैं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोले सर, जैसे हम फ्रीलांसिंग में ये मतलब क्लाइंट क्या प्रेफर करता है कि हमें लैम्डा फंक्शन यूज करने चाहिए या फिर वो ये अलग से सर्वर बना कर? बताता हूँ, वो कहाँ गुम हो गया। डॉक्यूमेंट से ना रूट से चलते हैं, रूट वाले डॉक्यूमेंट से चलते हैं। होस्ट योर एंड पॉइंट यूजिंग HTTPS वेब सर्विस डेट मैनेज, यहाँ से चलते हैं। वो मिल रही नहीं है यार गूगल पे, पता नहीं क्या बकवास है। अच्छा भाई गाइड ASK डॉक्यूमेंट, ASK documents। अच्छा स्किल टाइप्स हो गई, स्किल डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया, बिल्ड में आना चाहिए ये, एंड पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए कहीं। असल में मैं डॉक्यूमेंट इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि बाद में आप जब करें ना तो आपके पास एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट, क्योंकि जाहिर है चीजें चेंज होती हैं, तो हो सकता है ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये आउट ऑफ डेट हो जाए डॉक्यूमेंट में, लेकिन आपको हमेशा ना लेटेस्ट चीज मिल जाएगी। ऊपर आप अगर अलेक्सा सर्च डॉक्स में सर्च करें तो अच्छा इन्होंने उसको स्मार्ट हूं नहीं, ये आ गया, ये देखो सामने आ गया आपका एंड पॉइंट API। नहीं यार ये एंड पॉइंट API कुछ और चीज है। सेल्फ होस्टेड, ये रहा सेल्फ होस्टेड है, अब आया ये। अच्छा सेल्फ साइंड SSL, ये तो सिर्फ SSL सर्टिफिकेट की बात हो रही है ना। सेल्फ अच्छा मुझे ख्याल सेल्फ होस्टेड लिख के इसमें हाँ खैर यार डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। I know it will be frustrating. It's okay. It's okay. एक ना इन्होंने क्या किया हुआ है, एक्सप्रेस का ना एक अडॉप्टर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा उस अडॉप्टर से होता क्या है कि आपके एक्सप्रेस के सर्वर में ना 2-3 लाइनों का कोड लिखते हैं हम, और 2-3 लाइनों का कोड लिखने के बाद ना वो ऐसा एक एनवायरमेंट उधर क्रिएट हो जाता है कि एज इट इज पूरा जो लैम्डा फंक्शन लिखा हुआ है ना वो एज इट इज लाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और वो चल पड़ता है, ठीक है वो सही। और सारे मसले हल हो जाते हैं क्योंकि वो नॉट जस्ट लेटेस्ट वाले पे चल रहा होता है। ये आ गया सेकंड लिंक। अच्छा अब ये डॉक्यूमेंट खुल गया,
डॉक्यूमेंट खुल गया, यही डॉक्यूमेंट में ढूंढ रहा था। अच्छा तो इन्होंने क्या कहा है, यू कैन बिल्ड अ कस्टम स्किल फॉर एलेक्सा बाई इम्प्लीमेंटिंग अ वेब सर्विस दैट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एंड सेंड रिस्पॉन्सेज टू द एलेक्सा सर्विस इन द क्लाउड। कह रहे हैं कि सेम चीज जो यानी एलेक्सा पे जब भी कोई बात करेगा तो रिक्वेस्ट जाएगी वहां पे और वो ही उसको रिस्पॉन्स करेगा। द वेब सर्विस मस्ट मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स टू हैंडल रिक्वेस्ट सेंट बाई एलेक्सा एंड एडहियर टू द एलेक्सा स्किल किट इंटरफेस स्टैंडर्ड्स। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो आप अपना खुद का सर्वर लिखेंगे ना उसमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके लिए फॉलो करना जरूरी रहेंगे, अदरवाइज हम अलाउ नहीं करेंगे आपको वो लगाना। ठीक है, अच्छा वो क्या है वो रिक्वायरमेंट्स? वो रिक्वायरमेंट सबसे पहले ये है कि जो है ना, अच्छा ये तो उसने डायरेक्ट लाइब्रेरी शुरू कर दी, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स भी इसने लिखी भी होंगी नीचे। वो रिक्वायरमेंट वैसे मैं वैसा ही बता देता हूँ, वो करता ये है ना कि ये जैसे ही आप उसको ऐड करते हैं ना तो उस पर कुछ रिक्वेस्ट भेजता है, ये एक दो रिक्वेस्ट भेजता है। अच्छा एक रिक्वेस्ट भेजता है, पूछता है कि भाई ये किस स्किल में कनेक्ट हुआ हुआ, तो उस स्किल का नाम रिटर्न करना होता है। फिर उसने एक सर्टिफिकेट का ना एक बनाया हुआ होता है कि वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको रिटर्न पे एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो हमें खुद से करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि इन्होंने एक अदद उसके लिए लाइब्रेरी लिख दी है जो हमारे बिहाफ पे वो सारे काम करेगा। उसका नाम है ASK SDK Express Adapter, ये उसका नाम है। अच्छा ये उसका लिंक है, ठीक है, इस लिंक पे जाएंगे हम तो ये NPM पे ले गया हमें। ठीक है, NPM की लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के जरिए वो हम काम करेंगे। ठीक है जी, ये वो लाइब्रेरी है, इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ठीक है ना, ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे होता है ये। अच्छा और आगे देखते हैं, अच्छा ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। कह रहा है भाई आप एक्सप्रेस का सर्वर तो आप लिखना जानते हो पहले से, वो आप लिखो, उसके बाद ऐसे करके उसको रिक्वायर कर लो। हमारे पास इंपोर्ट करेंगे हम, नया वाले सिंटैक्स पे काम करेंगे। उसके बाद एक्सप्रेस की ऐप इनिशियलाइज हुई, उसके बाद स्किल बिल्डर इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद स्किल बिल्डर डॉट क्रिएट करके इसने एक स्किल बना ली। ठीक है, ये तीन चार लाइनों का कोड है, ये बॉयलर प्लेट है काइंड ऑफ। तो ये पूरा जो बॉयलर प्लेट है ये मैंने गिटहब में एक जगह बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि मुझे भी जरूरत पड़ती रहती है इसकी और बाकी लोगों को भी जरूरत पड़ती है। तो ये जो पूरा बॉयलर प्लेट है ना इसका, ये मैंने एक जगह गिटहब में बनाकर रखा हुआ है, तो वो मैं क्लोन कर लेता हूँ और उसको हम लाइन बाई लाइन समझ लेते हैं कि उसमें कोड क्या लिखा हुआ है। ठीक है जी, ज्यादा पुराना तो नहीं होगा तो यहीं पे आ जाना चाहिए उसको। ओके अच्छा, असल में मैंने इसके लिए एक अलग रिपोजिटरी बनानी थी बट वो मैं अभी तक बना नहीं पाया हूँ। तो एक क्लास मैंने पढ़ाई थी दूसरी इसके अलावा भी, तो उसमें वो कोड पढ़ा हुआ है, तो मैं वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं होपफुली इसके लिए एक डेडिकेटेड रिपोजिटरी अलग बना दूंगा जिसमें ना ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, अलग से मिल जाएगी। अच्छा तो हम क्या करते हैं, इसको अपनी क्लास के कोड में कॉपी कर लेते हैं। अलेक्सा पे गया मैं, और अलेक्सा पे जाने के बाद मैंने क्या किया, कस्टम एंड पॉइंट मोंगो डीबी करके ना ये यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब मैं अपने वीएस कोड में आके जरा देख लेता हूँ कि ये है क्या। अच्छा अच्छा तो ये वाला वो कोड है जो मैंने अभी कॉपी किया, इसमें नंबरिंग नहीं हुई भी, मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। एक हमने वेदर ऐप बनाया था जो था 01 डॉट, ठीक है, उसके बाद हमने बनाया था होटल बुकिंग जो कि था 02 डॉट, और अब हमारा जो है वो 03 डॉट है। ठीक है, अब इसके अगर हम सर्वर डॉट MJS पे आते हैं तो ये वो कोड है जो एक एक्सप्रेस का सर्वर है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक्सप्रेस का सर्वर सब लोगों को आता होगा यहाँ पे क्योंकि अच्छा तो लेकिन हम फिर भी उसको लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं कि ये क्या है। एक्सप्रेस सबसे पहले इंपोर्ट हुआ है,
उसके बाद अलेक्सा इम्पोर्ट हुआ भाई। अलेक्सा कौन सा वाला अलेक्सा है जो लैम्डा फंक्शन में भी टॉप में लगा हुआ होता था, जो लैम्डा फंक्शन में भी ना हम इसी से रिस्पॉन्स बना बना के भेज रहे होते थे, तो ये वो वाली लाइब्रेरी है। अच्छा उसके अलावा मॉर्गन है। मॉर्गन क्या होता है, एक छोटी सी लाइब्रेरी होती है जो कॉन्सोल कराने के काम आती है, ठीक है, यानी कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर पे आ रही है और उसका रिस्पॉन्स जा रहा है तो उसको वो कंसोल पे लॉक कर देता है। उसके बाद ये एक्सप्रेस एडॉप्टर की लाइब्रेरी है। एक्सप्रेस एडॉप्टर की जो लाइब्रेरी है वो क्या है, जो अभी अभी हमने देखी है वो वाली लाइब्रेरी है। उसके बाद मोंगोस इसमें रिक्वायर हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा ये मैंने शायद ना मोंगोस के साथ वाला उठा लिया, मैं जरा ना मोंगोस के बगैर वाला भी उठा के ले आता हूँ वहां से, क्योंकि ये मोंगोस के साथ ना कोड थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में ही। अलेक्सा और कस्टम एंड पॉइंट वाले को जस्ट मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। क्या पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। इसको मैं 04 ही कर देता हूँ। ओ सॉरी नहीं अपने गलत वाले को 04 किया। गलत वाले को 04 किया मैंने। जो कस्टम एंड पॉइंट है ये 03 है, ठीक है सही। अच्छा इसमें ना MongoDB नहीं लगा हुआ, कोड सारा इसमें भी वही है, सेम कोड है। अच्छा तो इसमें बस MongoDB माइनस है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है। अच्छा हमारे पास एक्सप्रेस इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद मॉर्गन इनिशियलाइज हुआ। मॉर्गन एक लाइब्रेरी है छोटी सी, बिल्कुल आप इसको देख भी सकते हैं जाके, बट ये इसका एक ही लाइन का कोड है, इससे ज्यादा कोई कोड नहीं है। इसका काम जस्ट ये होता है कि हर आने जाने वाली रिक्वेस्ट को ना ये लॉक कर रहा होता है। उसके बाद हमने पोर्ट उठाया, क्योंकि जाहिर है हरिको पे हमने ये देखा हुआ है कि पोर्ट हमारे पास 3000 तो अवेलेबल नहीं होती, उनके एनवायरमेंट वेरिएबल से वो पोर्ट उठानी पड़ती है हमें। अच्छा उसके बाद का जो कोड है ना सारा, आप नोट कीजिए, ये सेम कोड है जो कहाँ पे लिखा हुआ होता है, हमारे पास अलेक्सा के जो हमारे वो वाले लैम्डा फंक्शन है उसमें ये सेम कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है, लॉन्च रिक्वेस्ट हैंडलर, ठीक है, ये एग्जैक्टली वहां से कॉपी हुआ हुआ है। बल्कि अभी मैं ये वाला कोड रिमूव करके वहां से उसको उठाकर लाऊंगा और आप देखिएगा वो एग्जैक्टली सेम चल रहा होगा। अच्छा तो ये तीन जो मेरे पास बने हुए हैं ना, ये तीनों में वहां से कॉपी करके यहाँ पे लाके मैं रख दूंगा, ठीक है। मैं सारे कोड को कोलैप्स कर रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि कितना कोड इससे रिलेटेड है और कितना कोड जो है हमारा पुराना सर्वर है। तो आप नोट कीजिए कि यहां से लेके यहां तक का जो कोड है ये हमारा अलेक्सा स्किल किट से रिलेटेड कोड है। अच्छा मेरे यहाँ पे पावर फेलियर हो गया है, मोबाइल का इंटरनेट कनेक्ट कर लिया लेकिन वो लाइट वापस आ गई अभी। अच्छा तो हमने क्या देखा कि ये इतना जो कोड है हमारा वो अलेक्सा से रिलेटेड है। अच्छा अब इस कोड को हम जरा समझते हैं कि ये इस कोड में लिखा हुआ क्या है। इस कोड में लिखा हुआ है इंटेंट हैंडलर नंबर 1, इंटेंट हैंडलर नंबर 2, इंटेंट हैंडलर नंबर 3, ये तीन इंटेंट हैंडलर इसके अंदर बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये जो कोड है, ये वाला जो कोड है, ये लैम्डा फंक्शन से डायरेक्टली उठकर नहीं आया। ये कहां से बना हुआ है कोड, ये एक्सप्रेस एडॉप्टर से ये रिलेटेड कोड है, ठीक है। क्योंकि आप देखें यहाँ पे जो हम फंक्शंस पास कर रहे होते हैं लैम्डा फंक्शन के ऊपर, उसी तरह यहाँ पे ये फंक्शन पास हुआ हुआ है, ठीक है। उसी तरह एरर हैंडलर भी पास कर रहे होते हैं, उसी तरह हुआ हुआ है। अब जरा एक मिनट उसको भी हम चल के देख लेते हैं एक नजर कि वो दिखने में कैसा है, ताकि ना कंपैरिजन थोड़ा और कड़क कंपैरिजन हो जाए।
यार ये ओपन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हुआ। थैंक यू। अरे यार मैंने टेस्ट पे क्लिक कर दिया, बताओ जरा, कोड पे क्लिक करने की बजाय। अच्छा तो ये हमारे पास जनाब कोड जो है ना ओपन हो गया। अच्छा ये हमारे पास कोड ओपन हो गया। अब आप नोट कीजिएगा कि इसमें अलेक्सा के नाम से एक लाइब्रेरी इंपोर्ट है। होपफुली मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। प्लीज कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज और स्क्रीन आ रही है। थैंक यू। अच्छा ये अलेक्सा के नाम से एक स्किल, ये एक लाइब्रेरी ऊपर इंपोर्ट हुई हुई है, ठीक है, जो बॉयलर प्लेट में हमें ये देता है, साथ में देता है। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे भी हमने यही अलेक्सा नाम की एक लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया हुआ है, राइट, ठीक है। अच्छा ये अलेक्सा डॉट स्किल बिल्डर लगाते हैं ना, तो चूंकि मैं जाहिर है अब नॉट जीएस लेटेस्ट वाले में, तो मैं इस तरह करके भी उसको उठा सकता हूँ। अदरवाइज जो जो वहां के डैशबोर्ड पे ये मैं किस तरह करके उठा रहा होता था, ये मैं अलेक्सा डॉट करके लगा रहा होता था, अलेक्सा पहले और फिर डॉट। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्किल बिल्डर में इम्पोर्ट कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी क्लियर हो गया हमारे पास। अच्छा उसके बाद लाउंज इन रिक्वेस्ट हैंडलर, हेलो वर्ल्ड इंटेंट हैंडलर, और जितने भी इंटेंट हैंडलर हैं मेरे पास, चार पांच के करीब इंटेंट हैंडलर हैं, ठीक है। ये मेरे पास कैंसिल इंटेंट हैंडलर है, फॉल बैक इंटेंट हैंडलर है, सेशन एंडेड हैंडलर, ठीक है, ये बहुत सारे मेरे पास हैंडलर हैं, एरर हैंडलर भी है। ये जो बॉयलर प्लेट में सारा मिलता है सब वही है, और सबकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि ये इंटेंट कब हिट होता है, कब चलता है, राइट। तो ये प्लीज पढ़ लीजिएगा आप लोग कि ये कौन सा इंटेंट कब चलता है, और अगर किसी में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे प्लीज पूछिएगा। अच्छा उसके बाद क्या है लास्ट में, आप देखें अलेक्सा डॉट स्किल बिल्डर डॉट कस्टम, ठीक है। अब यहां हम कोड में देखते हैं स्किल बिल्डर डॉट कस्टम, ठीक है, यहाँ पे अलेक्सा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने उसको इंपोर्ट किया हुआ है। स्किल बिल्डर डॉट कस्टम लिखा हुआ है, एड इंटेंट, एड रिक्वेस्ट हैंडलर, एड एरर हैंडलर, ठीक है जी, एड रिक्वेस्ट हैंडलर, एड एरर हैंडलर। अच्छा यहां तक जो कोड था ये मेरा लैम्डा का कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें नीचे पे थोड़ी सी चेंजेस हैं, आप नोट कीजिएगा। ये दोनों काम करने के बाद, ठीक है, ये स्किल बिल्डर मेरे पास आ गया, मैं डॉट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डॉट क्रिएट नहीं कर रहा था, यहाँ पे मैं डॉट लैम्डा कर रहा था, ठीक है, क्योंकि ये लैम्डा फंक्शन है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज है, बट चूंकि ये बॉयलर प्लेट आपके पास मौजूद होगा तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बस ये बीच वाली चीज को रिप्लेस मारना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आपको इस बीच वाली चीज को क्या करना है, रिप्लेस मारना है अपने इंटेंट हैंडलर से, और जो जो फंक्शन आप यहाँ पे बनाएंगे वही वही फंक्शन नीचे पास कर देना है। तो ये आपका चलता हुआ कोड आपके पास रेडी है, ठीक है जी। अच्छा ये जो नीचे बकाया बचा हुआ कोड है ये क्या है, ये एक्सप्रेस का सर्वर है। यहाँ पे नीचे आपके जो भी पोस्ट की और गेट की और पुट की रिक्वेस्ट है वो सारी यहाँ पर नीचे होगी, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं कि इस स्किल सॉरी इस अपने खुद के सर्वर के अंदर हम क्या करते हैं, ला कर पेस्ट करते हैं वही कोड जो हमने डैशबोर्ड पर लिखा हुआ था, राइट, और इसको हम फिर चला कर देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा एक बात और मिस हो गई जो बीच में, ये लाइन जरा इस पर गौर कीजिएगा, ये जो लाइन है ना असल में ये इतना कोड जो है, ये इतना कोड लिखने के बाद ना ये कोड अभी एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है, दिस कोड इज नॉट एक्टिवेटेड येट। ये एक्टिवेट कब होगा कि ये जो एडॉप्टर लास्ट में बना है ना, जैसे कि लाइब्रेरी का नाम भी है कि एक्सप्रेस एडॉप्टर, ये एडॉप्टर जो बना है यहाँ पे, वो एडॉप्टर जब यहाँ पे प्लग इन होगा ना, ये इस जगह पे ये प्लग इन हुआ हुआ है, किससे प्लग इन हुआ हुआ है, एक पोस्ट की रिक्वेस्ट से प्लग इन हुआ हुआ है, राइट। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इस सर्वर को होस्ट करता हूँ मलिक डॉट हिरोकु ऐप डॉट कॉम, ये मुझे एक, क्योंकि आपको पता है हरिको जो है वो अपनी मर्जी का कोई भी आपको नाम दे देता है, ठीक है, ऐसे बर्ड वर्ड लगा देता है आगे वो, ठीक है, उसके बाद वेल लगा देता है, ठीक है, ऐसे ब्लू बर्ड ऐसे करके मुझे कोई ना कोई नाम दे देता है वो रैंडमली, ठीक है। तो ये मुझे कोई उन्होंने एड्रेस दे दिया हरिको वालों ने, तो अब जो मेरा जो अलेक्सा के ऊपर जब मैं लाके उसको पेस्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके आगे लगाऊंगा
/api/v1/webhook-alexa ठीक है, इस तरह करके मैं ये पूरा मेरा कंप्लीट यूआरएल होगा जो मैं कहां पे पेस्ट करूंगा जाके कस्टम एंड पॉइंट पे मैं पेस्ट करूंगा ठीक है। तो जब भी मेरी अलेक्सा की ऐप से कोई भी बंदा बात करेगा तो रिक्वेस्ट कहां पर भेजने की कोशिश की जाएगी, इंटरनेट के थ्रू इस यूआरएल पे भेजने की रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश की जाएगी जो कि हिट होगी यहां पे आके, और यहां पे जब हिट होगी आके तो ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन दिस फंक्शन विल टेक केयर ऑफ द रिक्वेस्ट कि अब दिस फंक्शन विल डिसाइड कि उस रिक्वेस्ट को कैसे इन सारे इंटेंट हैंडलर से गुजार के और रिस्पॉन्स भेजना है ठीक है। तो दिस फंक्शन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट ये लाइन भी जो है वो काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट है क्योंकि हमेशा इसी तरह लिखी जाएगी ये लाइन। अच्छा तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये यूआरएल हमें इस तरह का कोई मिल जाएगा वो हम लगा देंगे वहां पे। अच्छा, दो सवाल जी। ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं v1 हम इसके लिए लिख रहे हैं कि हम अलग-अलग वर्जंस लिखेंगे एपीआई के, सही? हां जी जी। और दूसरा लाइन 63 पे हमने न्यू एक्सप्रेस अडैप्टर में तीन पैरामीटर्स पास किए हैं स्केल के, मतलब दो पैरामीटर्स स्केल के अलावा पास किए, वो दो फॉल्स फॉल्स क्या हैं और क्यों हैं? अच्छा ये आ गया, जैसे ही आप इस पे होवर करेंगे ना ये लिखा हुआ आ गया कि क्या है। नंबर वन वो पूरी स्किल इसको पास करनी है जो ऊपर हमने तैयार की है ना, वो पूरी स्किल इसको पास करनी है, वो हो गया। नंबर दो है वेरीफाई सिग्नेचर के, सिग्नेचर को क्या वेरीफाई करना है। अच्छा इसको मैं फॉल्स कर दूं ट्रू कर दूं उससे कोई बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा राइट, लेकिन ये है कि अगर मैं इसको ट्रू करूंगा तो एक एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट एक एक्स्ट्रा लेयर लग जाती है जो काइंड ऑफ सिक्योरिटी की लेयर नहीं है, जस्ट वेरीफिकेशन की लेयर है ठीक है। और नंबर तीन है वेरीफायर, तो जब जाहिर है जब मैं इसको ट्रू पास करूंगा तो यहाँ पे मुझे वेरीफायर भी पास करना पड़ेगा ठीक है। तो इन दोनों को फिलहाल मैंने फॉल्स रखा है, तो हम क्या करते हैं पहले इतने कोड को चलाकर देखते हैं फिर इसमें वेरीफायर कैसे पास होता है वो आप कहाँ से देख सकते हैं, वो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पूरी इन्होंने लिखी हुई है, इसमें हम देख सकते हैं कि वेरीफायर वगैरह जो पास होते हैं वो किस तरह से होते हैं ठीक है। वो क्यों करते हैं हम यहाँ पे ना, ये डॉक्यूमेंट है इसके अंदर इन्होंने ASK SDK नॉट नहीं ये वाला नहीं, यहाँ पे एक रेफरेंस का डॉक्यूमेंट भी होगा उसमें वो पूरा डिफाइन किया हुआ होगा उन्होंने कि उसका बेनिफिट क्या होता है। अच्छा ये रहा स्किल रिक्वेस्ट सिग्नेचर वेरीफायर क्लास ठीक है। ओके अडॉप्टर क्लास वेरिफिकेशन थ्रू द दिस पैकेज, ये तो npm का लिंक आ गया, ये आ गया भाई हमारे GitHub का लिंक ठीक है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरीफायर विच प्रोवाइड्स यूटिलिटी मेथड टू वेरीफाई द सिग्नेचर ऑफ अ स्किल रिक्वेस्ट के, मिसाल के तौर पे अगर आप ये वेरीफायर लगा देते हैं ना तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि कोई और स्किल ठीक है, क्योंकि जाहिर है अब ये यूआरएल पब्लिक है, अब ये यूआरएल क्या है पब्लिक है, अब कोई और अलेक्सा की स्किल अगर उसमें ये सेम यूआरएल लगा दिया जाए तो वहां की रिक्वेस्ट भी आपके सर्वर पे आना शुरू हो जाएगी राइट। अच्छा तो अब ये वेरीफायर अगर आप लगा देखें, वैसे तो ये बेवकूफी की बात है कि कोई दूसरा स्किल जाहिर है उसके इंटेंट कुछ और होंगे, आपके इंटेंट जैसे तो नहीं होंगे ना, उसके इंटेंट कुछ और होंगे, तो वो आपके पास आपका लिंक वो उसके लिए बेवकूफी की बात है ठीक है। दूसरा ये कि आपका लिंक उसको कभी मिल भी नहीं सकता क्योंकि अलेक्सा के डैशबोर्ड पे जो आपने पेस्ट किया है लिंक वो प्राइवेट है, वो किसी को भी नजर नहीं आएगा अंटिल एंड अनलेस कि आप खुद उसको नहीं दे देते, तो वो प्राइवेट है वो वैसे भी किसी को दिख नहीं रहा, और अगर दिख भी जाए तो वो उसके काम का नहीं है क्योंकि उसके पैरामीटर्स अलग होंगे उसकी स्किल अलग होगी। लेकिन स्टिल इनका ख्याल है कि हो सकता है भाई कोई स्किल ऐसी हो ना कि बहुत ही ज्यादा कोई कमाल का काम कर रही हो, API में कुछ बहुत ही कमाल का काम किया हो, तो हो सकता है कोई सेम पैरामीटर के साथ अपनी स्किल बना के और वो ही लगा दे आपका URL, तो आपके सर्वर पे ना एक्स्ट्रा लोड पड़ सकता है। तो ये कहते हैं भाई एक वेरीफायर आप डालो, वेरीफायर में क्या होता है आपकी ना स्किल का नाम और उसका ARN होता है ठीक है। अभी पूरा इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो बनेगा कैसे वो डलेगा कैसे, तो उससे क्या होता है कि अगर किसी और स्किल से रिक्वेस्ट आई ना आपके उस URL के ऊपर तो जाहिर है वो नाम गलत मिलेगा उसको, तो फिर क्या होगा अलेक्सा वाले अपने पास से ब्लॉक कर देंगे उस स्किल को, ये हिट करने नहीं देंगे। तो ये नॉट अ सिक्योरिटी फीचर, आई वुड नॉट कॉल दिस अ सिक्योरिटी फीचर, बट जस्ट एक लेयर है, वेरिफिकेशन लेयर है, ऑथेंटिकेशन लेयर कि आप ही की स्किल आप ही के सर्वर को हिट कर रही है। ये काइंड ऑफ जो कोर्स ओरिजिन लगाते हैं ना क्रॉस ओरिजिन जो काम कर रहा होता है, ये सेम काम वही वाला हो रहा है
इसको ऑथेंटिकेशन भी नहीं कहेंगे क्योंकि ऑथेंटिकेशन में भी कहीं ना कहीं पासवर्ड या टोकन इन्वॉल्व होना चाहिए। इसमें पासवर्ड या टोकन नहीं है, इसमें जस्ट उस स्किल का नाम आ रहा होता है, नाम आ रहा होता है और इसका जो ARN है ना वो आ रहा होता है। ARN मैं आपको दिखाता हूँ किस चीज को कहते हैं। इस स्किल का ना एक ARN होगा जो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा होगा। मैं जब जाऊंगा ना बिल्ड, ये रहा, ये मेरी स्किल का ARN है इतना, ठीक है। हर रिसोर्स का एक ARN होता है। तो ये प्रॉब्ली Amazon रिसोर्स नंबर एग्जैक्टली। तो वो क्या करेगा, वो रिसोर्स नंबर रिटर्न करता है कि भाई ये इस, अच्छा ये रिसोर्स नंबर ना पब्लिक होता है, ये प्राइवेट नहीं होता, ये कोई और भी देख सकता है। यानी जो यानी अगर आप वो चेक करेंगे ना नेटवर्क के लॉग्स, तो उसमें ये आ रहा होता है, ये हर रिक्वेस्ट के साथ जा रहा होता है ना रिसोर्स, कि भाई आप जिस अलेक्सा स्किल से बात कर रहे हैं उसका ये रिसोर्स नंबर है उसका, तो ये पब्लिक होता है। तो बस ये रिटर्न कर देता है कि भाई यहाँ पे ना यही आएगा, क्योंकि जाहिर है वो जो अलेक्सा स्किल से जब हम बात करते हैं ना, तो वो जो वहां से वेबहुक हिट होता है वो अलेक्सा के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर से इनिशिएट हो रही होती है रिक्वेस्ट, तो वो रोक सकते हैं वहां से, ठीक है, पूरा कंट्रोल इनका होता है। तो काइंड ऑफ एक वेरिफिकेशन लेयर है, इसको समझना। ओके, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम कोड में जाते हैं और कोड में जाके हम इसी स्किल का जो कोड है उसको कॉपी करके लाते हैं बस, ठीक है। अच्छा, हम कितने कितने वाले हमें चाहिए, हमें चाहिए 1000 लाउंज रिक्वेस्ट हैंडलर। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी करके मैं अपने कोड में लाया, ठीक है। मैंने लाउंज रिक्वेस्ट को रिप्लेस कर दिया, रिमूव किया, और रिमूव करके मैंने अपना वाला पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ये मेरा लाउंज रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गया। अच्छा, उसके बाद एरर हैंडलर हटा देता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड हटा देता हूँ, जो पहले के इसमें पड़े हुए थे उसको हटा दिया मैंने। अच्छा, अब मेरे पास है 1000 हेलो वर्ल्ड इंटेंट हैंडलर, जो क्या करता है, नाम पूछो तो नाम बता देता है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी करके मैंने सेकंड पे यहाँ रख दिया, ठीक है। दो मैं उठाकर ले आया वहां से, तीसरे को भी उठा लेता हूँ मैं। वर्क एक्सपीरियंस, वेदर इंटेंट, बुक आर ओन, ठीक है, ये तीनों उठा लेता हूँ मैं एक ही साथ, ठीक है जी, ये तीनों उठा लिए मैंने। इसको कोलैप्स करता जाता हूं मैं ताकि जगह ये कम से कम ले, सही है। कोड ये एज इट इज वही कोड है, कोई हमने कोड में चेंजेस नहीं किए इसके, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल हमारे पास 5 इंटेंट इस वक्त मौजूद हैं। अब मुझे पांचों इंटेंट को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पास करना पड़ेगा। दो इंटेंट पहले से पास हुए हैं, ठीक है, तीसरा चौथा और पांचवा मुझे यहाँ पास करना होगा। हम इसी तरह करते हैं बिल्कुल वहां पे भी। अच्छा, इसको मैं पांचों को मैं पास कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास जो 2 अदद लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे, 1 अदद एक्सियोस है, तो एक्सियोस इस वाले सर्वर पे भी पहले से इंस्टॉल है, क्योंकि टॉप पे मैं देख रहा था, अगर नहीं होता तो मुझे करना पड़ता। अच्छा, और आखिर में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मुझे यहाँ से चाहिए, नहीं ऐसी कोई चीज और नहीं है जो मुझे यहाँ से चाहिए होगी। एरर हैंडलर मैंने नहीं कॉपी किया यहाँ से, वो भी कर लेते। ये एरर हैंडलर हमारा इस कोड में ये लिखा हुआ है, ठीक है। एरर हैंडलर जब चलता है, जब कोई भी चीज उसको समझ में नहीं आती तो ये एरर हैंडलर चलता है, ठीक है। एरर हैंडलर भी मुझे चाहिए होगा, तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे भी पहले से मौजूद था लेकिन उसको मैंने हटा दिया। अच्छा, इस एरर हैंडलर का मैं थोड़ा सा स्पीच भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, दिस इज एरर हैंडलर इंटेंट, ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन। वैसे तो ये इसमें आंसर होना नहीं चाहिए, क्योंकि यूजर को हम नहीं बताते कि ये कौन सा हैंडलर है, यूजर को हम ये बताते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन अभी हम समझने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि यही रिस्पॉन्स आ रहा है, हमने इसमें ऐसी बात लिखी है कि दिस इज एरर हैंडलर इंटेंट, हमने ये बात इसमें लिख दी है। अच्छा, तो किसी भी इंटेंट में किसी भी किस्म का एरर जब होता है तो वो फॉल बैक फौरन इसके ऊपर आ जाता है। अच्छा, तो ये हमारा जो कोड है वो काइंड ऑफ बिल्कुल रेडी है चलने के लिए, राइट। अच्छा, इस कोड को अब हमें क्या करना है, इस कोड को हमें डिप्लॉय कर देना है हरिको पे, राइट। इस कोड को हमें डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉय करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए हरिको पे डिप्लॉय करने के लिए, कौन बताएगा कैसे करूं मैं? सर, गिट पे पुश करके सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मैं गिट के ऊपर एक रिपोजिटरी बनाऊं, ठीक है, और एक रिपोजिटरी बनाकर उसको मैं हरिको से कनेक्ट कर दूं, वो हरिको पे पुश हो जाएगा, ठीक है जी।
चलो इसी बहाने ये बन भी जाएगी ना रिपोजिटरी, मैंने वैसे भी बनानी थी। ठीक है, मैंने कहा कि अलेक्सा इसका नाम एग्जैक्टली कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, एएसके एसडीके एक्सप्रेस डॉक्टर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया, ये परमानेंट रहेगी रिपोजिटरी इंशाल्लाह। और मैंने इसमें एक रीडमी भी ऐड कर दिया। ठीक है, एक सजेस्ट करो वोट उसका। अच्छा ठीक, कोई भी जी बोले, बाद में भी चेंज हो जाता है। नहीं, मैं एग्जांपल को टेम्पलेट बताने वाला था, तो आपके लोग सर्च जो जिस चीज से करेंगे इसको मुझे ना रखना चाहिए बॉयलर प्लेट। हाँ। बॉयलर प्लेट नाम रखना चाहिए इसका मुझे, टेम्पलेट का ही एक अच्छा अच्छा बेहतर नाम है ये, मुझे नाम इसका रखना चाहिए। अच्छा जी, ये तो जबरदस्त नाम हमने रख दिया इसका। अब हमें करना क्या है, इसको मैं अपने मशीन में क्लोन कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है जी, मशीन में मैं किसी भी कोई भी अच्छी सी जगह पर आता हूँ। मैंने ओपन सोर्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मैंने टर्मिनल ओपन किया, मैंने कहा गिट क्लोन और ये बॉयलर प्लेट वाला फोल्डर यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, और बॉयलर प्लेट वाला फोल्डर आने के बाद मैंने कहा सीडी। ठीक है, बॉयलर प्लेट के फोल्डर के अंदर गया, मैंने कहा कोड और डॉट, इसको मैंने वीएस कोड में ओपन कर लिया। अच्छा, वीएस कोड में जब मैंने ओपन किया तो ये रिपोजिटरी पूरी खाली है, राइट। अच्छा, तो अभी तक मैंने जितना भी कोड लिखा है इसको मैं पहले तो अपने क्लास के कोड में कमिट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि टूडेज कोड एंटर, ठीक है, सिंक पुश कर दिया, भेज दिया इसको यहाँ से मैंने। ठीक है, भेजने के बाद मैं इसकी एक कॉपी, क्योंकि जाहिर है ये मेरी जो रिपोजिटरी है इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं, तो इसको हरिको पे कनेक्ट नहीं किया जा सकता। हरिको पे कनेक्ट करने के लिए जरूरी है कि एक रिपोजिटरी में एक ही प्रोजेक्ट हो। तो मैं इसको यहाँ से जो कंप्लीट कोड है मेरा उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, गड़बड़ मैंने ये कर दी कि मुझे इसको बाहर करना था। ठीक है, रूट पे होना चाहिए ना, जब ही वो काम करेगा। अच्छा, अब इसको हरिको पे पहुंचने के लिए एक अदद प्रॉक फाइल चाहिए, वो मेरे पास पहले से लिखी हुई है। ठीक है, वेब कॉलन npm स्टार्ट। ठीक है, इसकी जो स्क्रिप्ट है स्टार्ट की वो भी मेरे पास लिखी हुई है, डेव की भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ठीक है, और कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मुझे गिटहब उस पर डालने के लिए चाहिए होती है। नॉट मॉड्यूल गिट इग्नोर में मौजूद है, ये भी जरूरी होता है हरिको पे डालने के लिए। तो बस मेरा ख्याल है ये गुड इनफ है। मैंने कहा कही रेडी फॉर हीरो, ठीक है, और सिंक कर दिया मैंने। ठीक है जी, तो ये कोड जो है मैंने तकरीबन पूरा तैयार करने के बाद इसको मैंने हरिको के लिए रेडी किया है। और अब मैं जाके क्या करूंगा, हरिको से इसको कनेक्ट कर दूंगा मैं। मैंने कहा हरिको.com, और लॉगिन, इसका मैं नाम उठा लेता हूँ सही इसी नाम से, क्योंकि मुझे सर्च करना है। मैंने कहा कि इनजी, ठीक है, इनजी के नाम से एक ऐप मैंने रिजर्व की हुई है। डिप्लॉय के इसके मैं टैब में गया, और डिप्लॉय के टैब में जाने के बाद एक पहले से इसमें कनेक्ट हुआ हुआ है उसको मैंने डिसकनेक्ट किया। जो भी लोग अभी पहली दफा आएंगे अगर हरिको पे, तो उनके पास ये गिटहब जो कनेक्टेड टू गिटहब लिखा हुआ है ये बटन उनके पास आ रहा होगा, और आप जब उस पर प्रेस करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स खुलेगा ओऑथ का। उस बॉक्स में आप अपने गिटहब के क्रेडेंशियल डालेंगे और अलाउ कर देंगे, तो फिर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर आप क्या लिख पाएंगे, ऐसे नाम लिख के सर्च कर पाएंगे। और सर्च करने के बाद क्या होगा कि आपके पास इस तरह से ये कनेक्ट का बटन आ जाएगा। कनेक्ट का बटन प्रेस किया मैंने और ये क्या हुआ, कनेक्ट हो गया मेरे गिटहब की रिपोजिटरी से। मैंने कहा इनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉयज, ठीक है जी, डिप्लॉय इनेबल हो गया। और मैंने कहा डिप्लॉय ब्रांच, कि भाई इनेबल का मतलब है कि जब जब मैं पुश करूंगा इस ब्रांच में ऑटोमेटिकली उसको वो डिप्लॉय करेगा, अभी भी एक दफा डिप्लॉय, अभी फॉरन भी कर दे। अच्छा, तो ये डिप्लॉयमेंट इसकी स्टार्ट हो चुकी है।
ठीक है जी, बिल्ड सक्सेसफुल यहाँ पे सही है, बिल्ड सक्सेसफुल हो गई हमारी यहाँ पे, ठीक है, लॉन्च भी हो गया। अच्छा अब मैं कहाँ जाऊँगा, इसके मैं लॉग्स में जाकर देखूंगा, व्यू लॉग्स, और व्यू लॉग्स में जाने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दैट दैट दैट। अब मैं ओपन ऐप का बटन प्रेस करूंगा जब, तो मुझे जाहिर है ये कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि ये स्लैश की रिक्वेस्ट है, स्लैश की रिक्वेस्ट पे तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, राइट, तो मेरे सर्वर से स्लैश की रिक्वेस्ट नहीं हो पा रही, बट जस्ट मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं ये यूआरएल कॉपी करने के बाद कहाँ जाऊंगा, मैं अपने बिल्ड के सेक्शन में जाकर ये यूआरएल वहां लगा दूंगा, ठीक है। मैं गया एंड पॉइंट के अंदर और यहां से AWS Lambda ARN को हटा के मैंने कहा HTTPS, और HTTPS में आके डिफॉल्ट पे क्लिक करने के बाद ये URL था, और उसके आगे वो क्या था मेरा URL के आगे एंड पॉइंट क्या था मेरा, ये था मेरा एंड पॉइंट। अच्छा सलील, आपने पूछा था कि ये API/V1 हमने क्यों लगाया, ये जो है ना REST API का एक स्टैंडर्ड है जिसमें यूनिफॉर्म URLs होते हैं, तो उसके लिए हमने ये लगाया था कि बाद में कभी भी V2 अगर लॉन्च करें तो हमें प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। अगर ये ना भी लगाएं, जस्ट वेबहुक लिख दें आप, तो भी ये काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये थोड़ा सा अच्छा तरीका है कि अगर आप इस तरह करके शुरू दिन से ही फॉलो करें अगर, तो ये अच्छा बेहतर तरीका है। तो मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ पे लाके मैंने कहा nz.hariko.app.com/api/v1/alexa/webhook। अच्छा ये इसके नीचे जो सर्टिफिकेट है इसमें मैं क्या करूंगा कि भाई मैं किसी दूसरी वेबसाइट का सब डोमेन हूँ, ठीक है, हरिको का सब डोमेन हूँ। अगर मेरा खुद का डोमेन होता तो मैं ये फर्स्ट वाला करता, ठीक है, फर्स्ट वाला करता, और जाहिर है आजकल जितने भी डोमेन है वो सब लोग SSL फ्री देते हैं, तो फर्स्ट वाला कर देता तो हो जाता। अगर मैं कोई ऐसा डोमेन इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मुझे SSL नहीं दे रहा, तो फिर मुझे ये करना पड़ता लास्ट वाला कि भाई मैं खुद एक जो है ना SSL आपको दूंगा बनाकर, तो दरमियान वाला भी फिलहाल के लिए हम कर देते हैं। अच्छा ये एंड पॉइंट जो मैं डाल रहा हूँ, ये डालने के बाद इसको सेव करना पड़ता है, और सेव करने के बाद इसको बिल्ड करना पड़ता है, बावजूद इसके यहाँ पे बिल्ड का बटन ही नहीं आ रहा, लेकिन ये एक है बात कि इसको बिल्ड आपको लाजमी करना होगा, अदरवाइज ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। अच्छा मैं चला जाता हूँ भाई किसर इंट्रैक्शन मॉडल पे, इंटेंट्स पे, जहाँ पे मुझे बिल्ड का बटन नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आके बिल्ड का बटन प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। जब तक ये बिल्ड हो रहा है मैं दोबारा एंड पॉइंट में जाकर कुछ चीज बताना चाहूंगा आपको। देखिए यहाँ पे ना एक लगा हुआ है डिफॉल्ट रीजन, एक लगा हुआ है नॉर्थ अमेरिका, एक लगा हुआ है यूरोप इंडिया, एक लगा हुआ है ईस्ट। तो ये इन्होंने इस वजह से लगाया हुआ है ताकि मुख्तलिफ रीजन से आपको जब रिक्वेस्ट आए तो आप उसके लिए मुख्तलिफ रीजन का सर्वर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हरिको जो मुझे देता है ना डिफॉल्ट रीजन, वो USA का देता है, ठीक है, और ईस्ट US East 1 देता है मुझे ये फ्री में। लेकिन अगर कोई बंदा इंडिया से बैठ के रिक्वेस्ट कर रहा है ना अगर, तो जाहिर है उसको रिस्पांस टाइम थोड़ा सा खराब मिलेगा, ठीक है, क्योंकि USA तक तारों के जरिए जाएगी रिक्वेस्ट, वापस आएगी। तो मेरे पास क्या होगा, इसी सर्वर का एक कॉपी मेरे पास एशिया के किसी सर्वर में अगर चल रही होगी ना, तो वो मैं लगा दूंगा यहाँ पे इधर। तो क्या होगा, इंडिया से अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या अगर पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो उसको यहाँ इधर भेजेगा इस सर्वर पे, वो USA वाले पे नहीं भेजेगा। फिर नॉर्थ अमेरिका के लिए मैं अलग रख सकता हूँ। अच्छा लेकिन ये नीचे वाले सारे ऑप्शनल हैं, अगर मैं डिफॉल्ट एक दे देता हूँ ना तो काम होगा, लेकिन नीचे वाले अगर मैं दे देता हूँ तो परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। काफी बेहतर तो नहीं होगी, मतलब बहुत माइनर सा ही डिफरेंस रहेगा, लेकिन ये कि सम टाइम ये डिफरेंस बहुत बहुत हाई हो जाता है। जैसे अभी की अगर मैं बात करूं, जो कल लास्ट हमारी क्लास जो कैंसिल हो गई वो भी इसी वजह से हुई कि हमारे पास सबमरीन की कोई केबल है वो डिस्कनेक्ट हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो वेबसाइट्स थी वो तो बहुत सही चल रही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि यहाँ तो आपस में कनेक्टेड है। लेकिन यूरोप की और अमेरिका की साइड जो सर्वर्स हैं, जैसे कि गूगल है, ठीक है, जैसे और भी दूसरे हैं, तो वो नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें स्पीड बहुत कम हो जा रही थी, कभी कभी वो बिल्कुल डाउन हो जा रहा था। तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन होती है ना, तो फिर उसमें ये जो डिफरेंस है वो बहुत ह्यूज हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह, अगर मिसाल के तौर पे इंडिया की कभी कोई सबमरीन केबल अगर डिस्कनेक्ट होती है, तो क्या होगा कि आपके पास ना ये डिफॉल्ट रीजन जो है USA वाला, ये चलेगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम करेगा चलने में, ठीक है। अगर बाकी सब कुछ सही है, केबल्स में कोई इशू नहीं है, तो फिर जो है वो एक भी अगर दे दो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये इसलिए एहतियातन इन्होंने चार यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा ये बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, बिल्ड कंप्लीट होने के बाद अब मैं जाके टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, राइट।
अच्छा, अब जब मैं इसको टेस्ट करूंगा तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी हरिको पे, तो मुझे यहाँ हरिको के लॉग्स में दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई है। अच्छा चलाते हैं भाई इसको, इसको मैं कहता हूँ ओपन, मैंने यही नाम रखा था शायद जहां तक मुझे याद है। अच्छा ये Hello and देखें welcome. I रिक्वेस्ट am आ गई। virtual version of Mr. Dot Inzamam Malik. What would you like to ask? I can tell you his name and work experience. Tell me name. ठीक है जी, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट Sorry, आ गई। this is error handler intent. Please try again. अच्छा ये क्या हुआ, नाम पूछने में ये एरर हैंडलर हो गया। Please tell me your city name. Something went wrong in function. ठीक है, अच्छा ये कनेक्ट तो हो गया है लेकिन हमारे पास कुछ जगहों पे एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है और हमें वो पता नहीं चल पा रहा, जैसे एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड कह दिया इसने। ओके गॉट इट, एक्सियोस जो है वो हमारे पास उस तरह से नहीं हुआ हुआ इंस्टॉल जैसे इसको चाहिए। अच्छा इसमें तो हुआ हुआ ही नहीं है, राइट, इसमें हुआ हुआ ही नहीं है, वो जो हमने इससे पहले किया था ना जिसमें मोंगो डीबी भी लगा हुआ था उसमें एक्सियोस हुआ हुआ था, इसमें एक्सियोस है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं। अच्छा तो ये तो जनाब हो गया हमारे पास एक अदद सिंपल सा यूज केस हो गया कि हमने एक एक्सप्रेस के ऊपर वही सेम चीज वही सेम कोड अलेक्सा के लिए तैयार किया और उसको हरिको पे मैंने डिप्लॉय कर दिया और हरिको पे डिप्लॉय करने के बाद उसका लिंक मैंने अलेक्सा को दे दिया। लेकिन ये तो यार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा कि मैं हर थोड़ी देर चेंज करने के बाद इसको गिटहब में पुश करूं और गिटहब में पुश करूंगा तो जाहिर है वो अपडेट होने में कुछ सेकंड्स लेगा, कुछ टाइम लेगा, जाहिर है कभी 15-20 सेकंड भी ले लेता है वो अपडेट होने में। तो क्या मैं जब तक इंतजार करूंगा और फिर मैं अपनी चेंजेस को देखूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा कि इस सर्वर को मैं अपनी लोकल मशीन पे रन करूंगा और मेरे लोकल मशीन को मैं कनेक्ट करूंगा डायरेक्ट अलेक्सा के साथ। ठीक है, तो अब हम पहले वो कनेक्शन कर लेते हैं और वो कनेक्शन करने के बाद ना फिर हम इसकी डेवलपमेंट करेंगे, जो इसमें प्रॉब्लम है उसको फिक्स करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो कैसे मैं चलाऊंगा इसको? अच्छा इसको तो मैं बंद कर देता हूँ, जो हरिको पे डिप्लॉय हुआ है ना उसको मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, जो मेरे क्लास वाला कोड है मैं उस पर आ चुका हूँ वापस। ठीक है, जो हमारे क्लास वाली ये डायरेक्टरी बनी हुई है सारा नॉट जेएस और ये सब जिसमें है उसमें आ जाता हूँ मैं। अच्छा कस्टम एंड पॉइंट वाले को मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे, तो मुझे इसको रन करना होगा। रन करने के लिए क्या, मैंने सीडी करके इसमें गया 03, उसके बाद सीडी 03। ठीक है, कस्टम एंड पॉइंट, मैंने कहा एनपीएम रन डेव। npm run dev से क्या होता है कि nodemon के साथ वो चलता है, जैसा कि मैंने अंदर स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट होना जरूरी है, अगर ये स्क्रिप्ट नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। nodemon भी आपकी मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए, अगर नहीं इंस्टॉल है तो आप लिखेंगे npm install -g nodemon। ठीक है, ये आप लिखेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये स्क्रिप्ट होनी चाहिए, nodemon इंस्टॉल होना चाहिए, जब ही इस तरह से ये चल पाएगा, अदरवाइज ये इस तरह चल नहीं पाएगा। अच्छा तो मैंने इसको रन कर लिया, अब मैंने रन जो कर लिया इसको तो ये तो मेरे पास चल रहा है लोकल होस्ट के 3000 पोर्ट पे। तो अब मैं इसको अगर यहाँ मेरे ब्राउजर में ओपन करता हूँ, सही है, लोकल होस्ट 3000/api/v1/alexa webhook तो ये चलेगा। ठीक है, अब गेट की रिक्वेस्ट में भी नहीं चलेगा, इसको पोस्ट की रिक्वेस्ट कर रहा होता है क्योंकि ये, ठीक है, तो ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है तो ब्राउजर से, क्योंकि पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं होती। तो अब ये तो मेरे पास बना है लोकल होस्ट पे, अब मैं इसको यहाँ पे कैसे पास करूं? जो मेरे पास यहाँ पे बिल्ड के अंदर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, मैं इसको इस तरह से पास नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक छोटा सा टूल है जो जिसको हम कहते हैं टनल, ठीक है, जो टनल बिल्ड करता है, टनलिंग टूल है मेरे पास, मुझे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपने लोकल होस्ट को एक टनल के जरिए यहां तक पहुंचाना पड़ेगा। अच्छा उस टनल का नाम क्या है? उसका नाम है एनजी रॉक। ठीक है, ये वो टनल है, बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, ये सीएलआई पे चलता है और पहले ये काफी बेसिक था, अब ये काफी एडवांस हो चुका है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा इसका इस्तेमाल मैं कैसे करूंगा? पहले मुझे इसको करना पड़ेगा इंस्टॉल, मैंने कहा ng rock npm,
ठीक है, एनपीएम का क्योंकि ये पैकेज है, एनपीएम में जाते हैं, देखते हैं कि इसको इंस्टॉल करने की इन्होंने कमांड क्या बताई है। इन्होंने कहा भाई npm i ng rock, सिंपल सी कमांड है ये। तो मैं आके अपने पास लिख लेता हूँ एक, यहाँ पे ये वाला बटन है ना स्प्लिट टर्मिनल जिस पे लिखा हुआ है, इसको मैं प्रेस करूंगा तो मेरा टर्मिनल स्प्लिट हो जाएगा, दो हिस्सों में हो जाएगा। तो ये मेरे लिए काफी कन्वीनियंस रहता है कि मुझे दोनों के लॉग्स सेम स्क्रीन पे दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये भी दिख रहा है साथ में दूसरा वाला भी दिख रहा है। अच्छा, मेरे पास जो है वो पहले से इंस्टॉल है। अच्छा, माइनस जी करके ये इंस्टॉल होगा हर दफा। ठीक है, माइनस जी किए बगैर इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते आप। और अगर आप मैक पे या लिनक्स पे तो आपको सूडो भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस ग्लोबल कोई भी काम होता है तो वो सूडो के साथ ही होता है। एंटर कर दिया मैंने ताकि मेरे पास अगर कोई पुराना वर्जन हो तो वो भी अपडेट होके नया हो जाए। ठीक है जी, तो इसने कहा कि भाई हो गया इंस्टॉल। अच्छा, अब मैं इसको रन कैसे करूंगा? मैं कहूंगा ng rock space http space, और जो भी मेरी लोकल पोर्ट है, लोकल पोर्ट मेरे पास इस वक्त है 3000, तो मैं यहां लिख दूंगा 3000, एंटर। अच्छा, जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो मुझे ये लोकल होस्ट 3000 के बदले एक https का url दे देगा। ठीक है, एक https का मुझे इसने url दे दिया, कॉपी किया मैंने, और ये url अब मैं कहीं भी इंटरनेट पे किसी को भी दे सकता हूं। जब वो इस url को हिट करेगा तो रिक्वेस्ट कहां आएगी? मेरे लोकल होस्ट पर रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, ये टनलिंग कहलाती है, इस चीज को हम कहते हैं टनल बनाना। तो मैं अपने लोकल होस्ट को टनल बना के वहां तक पहुंचा रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी, आ जाते हैं, पहुंचा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैं गया और यहाँ जाके मैंने इतना कोड हटा के ना पेस्ट कर दिया ये। अब ये क्या हो चुका है, https://, एक रैंडम आईडी है .ngrock.io, उसके बाद /api/v1 Alexa webhook, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, इसको मैं क्या कर दूंगा, सेव एंड पॉइंट। ठीक है, सेव करने के बाद मुझे एक बार को बिल्ड भी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि जब तक मैं बिल्ड नहीं करूंगा ना इसका चेंज मेरे पास रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मैंने बिल्ड का बटन प्रेस किया एक बार को। Alexa conversations. Expand your skill features with our new deep learning based dialogue manager to create natural multi-turn conversation. Alexa conversations only work for US. पता नहीं क्या चीज है, मैंने चेक नहीं किया अभी तक, क्योंकि इस चीज ने अभी तक प्रेस में जगह नहीं बनाई, तो मतलब काम की नहीं है। क्योंकि अलेक्सा में अगर छोटी से छोटी भी कोई डेवलपमेंट हुई है ना, और अच्छी डेवलपमेंट हुई है, तो वो प्रेस में फौरन आती है। तो वो प्रेस में जो चीज नहीं आई ना, इट डजंट वर्थ के उसको मैं भी देखूं, उसमें टाइम जाया करूं बिना वजह। अच्छा, तो ये जनाब हो गया। अब मैं जाता हूँ टेस्ट वाली कमांड में, टेस्ट वाले कॉन्सोल पे जाता हूँ मैं, और टेस्ट वाले कॉन्सोल पे जाने के बाद मैं इसको टेस्ट करता हूं, और मैं ये देखता हूं कि रिक्वेस्ट मेरे इस टर्मिनल पे आती है कि नहीं आती है। ठीक है, आएगी मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, इस वाले पे मुझे आनी चाहिए रिक्वेस्ट। अच्छा जी, मैंने इसको कहा ओपन इंजमाम मलिक, रिक्वेस्ट आ गई। हेलो एंड वेलकम, आई एम वर्चुअल वर्जन ऑफ मिस्टर डॉट इंजमाम मलिक, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क? I can tell you his name and work experience. अच्छा, अब मैं इससे नाम पूछता हूँ, बल्कि लॉन्च वाली रिक्वेस्ट को ना मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। रिस्पॉन्स फ्रॉम एक्सप्रेस सर्वर, ठीक है, ये मैंने शुरू में इसके एड कर दिया। अब मैं जाके यहाँ पे दोबारा इसको कहता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और मैं दोबारा कहता हूँ ओपन इंजमाम मलिक, तो मुझे नया वाला रिस्पांस मिलना चाहिए जो मैंने अभी चेंज कर दिया। रिस्पांस फ्रॉम एक्सप्रेस सर्वर, हेलो एंड वेलकम, आई एम वर्चुअल वर्जन ऑफ मिस्टर डॉट इंजमाम मलिक, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क? आई कैन टेल यू हिज नेम एंड वर्क एक्सपीरियंस।
अब इसका ऐसा कनेक्शन हो चुका है कि यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, रियल टाइम में चेंजेस वहां पे मुझे रिफ्लेक्ट हो रही होगी, एंड वंस आई एम डन, वंस सारी चीजें सही चलने लग जाएंगी जब, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, सारे कोड को कमिट करूंगा, गिटहब में पुश करूंगा, हरिको पे ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा, और मैं क्या करूंगा यहाँ जो एंड पॉइंट में जाके वापस से हरिको का URL लगा दूंगा, एनजी रॉक का URL हटा दूंगा मैं, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, ये इसमें कोई इशू तो नहीं है। अब हम अगर इसमें यहां तक कोई सवालात नहीं है तो हम इसमें मौजूद जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये नाम मुझे नहीं बता पा रहा है, नाम पूछने से ये एरर कर जा रहा था, तो वो हम देखना चाहेंगे अब। तो किसी को यहां तक चीजों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं वापस एक बार वीडियो देखूंगा और अगर कुछ सवाल आया तो बताऊंगा। ठीक, अच्छा अब मैं इससे पूछता हूँ जरा नाम। जी जी दोस्त, वो जो हम डॉट पुट करके एंड पॉइंट देंगे, एक एलेक्सा डॉट गेट का मेथड कॉल कर रहे हैं, ये थोड़ी इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। ये वाला, ये देखें, ये जो ऊपर पूरा तैयार हुआ है ना, ये वाला, ये तैयार होके ना ये इस वेरिएबल में आ चुका है, और ये सारा कोड बॉयलर प्लेट है, राइट, ये इसमें आ चुका है, तो अब जाहिर है इसको मुझे एक्सप्रेस के हवाले करना है, तो इस पॉइंट पे मैं ना इसको एक्सप्रेस के हवाले करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये क्लास खत्म होने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस कोड को इसकी एक कॉपी बनानी है, और उसमें आपने जो भी कुछ अभी तक बनाया हुआ है उसका कोड इसमें डाल के इसको रन करने की कोशिश करनी है, ठीक है, इंशाल्लाह रन हो जाएगा। जैसे ही रन हो जाए तो आप डॉक्यूमेंट्स में जाके ये जो सारा लाइन ऑफ कोड है उसको एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। अभी आपको शायद लग रहा हो कि यार ये बहुत ज्यादा लाइनें हैं, बहुत ज्यादा कोड है, लेकिन बिलीव मी कि ये बॉयलर प्लेट कोड है। आपने जैसा कि देखा, मैंने एक अपनी पहले किसी क्लास में ये पढ़ाया था, वहां से पूरा फोल्डर मैंने कॉपी किया, और पूरा फोल्डर कॉपी करने के बाद मैंने उसमें चेंजेस कितने में किए, मैंने ये सारे फंक्शन रिप्लेस किए, ठीक है, इंटेंट हैंडलर्स, और मैंने उन फंक्शंस को यहाँ पे पास किया है, बाकी कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया इसके अंदर, राइट। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, तो बॉयलर प्लेट कोड हम इसी को कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट कोड। जैसे हम अलेक्सा की जब नई स्किल क्रिएट करते हैं तो वहां पे भी हमें कुछ कोड वो पहले से बनाकर देता है, उसमें भी हम सेम यही काम कर रहे होते हैं कि हम उसके जो रिक्वेस्ट हैंडलर्स हैं, इंटेंट हैंडलर्स हैं, वो अपनी मर्जी के डाल देते हैं और पुराने वाले इंटेंट हैंडलर को हम हटा देते हैं और उसको यहाँ नीचे पास भी करते जाते हैं, तो सेम वो काम यहाँ पे भी हो रहा है। अच्छा, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं इससे पूछता हूं कि यार व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मोहम्मद इंजमाम मालिक। नाम तो इसने बता दिया। माय फ्रेंड्स कॉल मी मालिक। वुड यू लाइक टू नो अबाउट माय वर्क एक्सपीरियंस? यार इसने पहले नेम पे दिया था एरर या किस पे दिया था? चलो एक एक करके सबको चलाते हैं। नेम पे दिया था, लेकिन मेरे ख्याल से फ्रीजिंग में कुछ अलग दिया था। अच्छा, यहाँ पे ये एरर हैंडलर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसको पसंद नहीं आ रहा। I think वो फ्रीजिंग में सिर्फ एरर भेज रहा है। आपने क्या ये लिखे हैं, डायलॉग्स लिखे हैं, वो बस एक बार चेक करो। My name is Mohammed Inzamam Malik. My friends call me Malik. Would you like to know about my work experience? What is your work experience? I started working on web technologies in 2012. Later on moved to iChatbots and voice apps in late 2015. These days I am one of the experts in voice apps. अच्छा, तो ये असल में phrasing का issue था कि मैंने जो बात लिखी थी वो शायद उसके utterances में मौजूद नहीं था और उसको वो समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। तो अभी हम उसको भी देखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी हमें कवर करना है ना कि हिस्ट्री में जो चीज़ आ रही है उसको हम कैसे इंटेंट में ऐड कर रहे होते हैं, तो ये उसके लिए जमा हो रहा है, अच्छा है हमारे लिए। तो हम थोड़े देर में क्या करेंगे, वो जब जमा हो जाएंगे 4-5 माह पे, तो उसको हम देख लेंगे कि कैसे करके क्लिक मारने से वो इंटेंट में जाके ऐड हो जाता है।
अच्छा वेदर इंटेंट को चलाने के लिए मुझे अब एक्सियोस इसमें इंस्टॉल्ड चाहिए जो कि नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। तो एक्सियोस में कैसे इंस्टॉल करूंगा, सर्वर को रोक देता हूं, npm i एक्सियोस एंटर, और जैसे ही एक्सियोस इंस्टॉल हो गया मैंने सर्वर को वापस से रन कर दिया, मैं वापस टॉप पे गया, इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस एंटर एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो। अब चला के देखते हैं इसको, The current weather is 39 degrees Fahrenheit with mostly sunny skies. Today's forecast has showers with a high of 46 degrees and a low of 39 degrees. ये response मेरी skill से नहीं आ रहा क्योंकि मेरी skill ना यहाँ पे exit हो गई है, मैंने re-prompt रोका हुआ है, तो ये work experience बता के मेरी skill exit हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ अपनी skill को दोबारा जगाता हूँ, ठीक है। मैं इसको बोलूंगा कि ask Inzamam Malik what the weather, अब ये मेरी स्किल पे जाएगा। You want weather for what city? What city? Karachi, ठीक है। अभी तो हाँ, बल्कि हमने शायद इसमें API भी लगा दी थी। हाँ, API In Karachi, it is 23 degrees centigrade and mist. अच्छा, और मैं इसमें अब पूछता हूँ what's the weather in London? In London, it is 9 degrees centigrade and sunny. Canada. Tell me your city name. अच्छा इसको सिटी है, कंट्री समझ नहीं आ रहा इसको। In Burlington, it is minus 2.7 degrees centigrade and sunny. तो ये रिक्वेस्ट हमने देखा कि अब ये हमारे सर्वर पे आ रही है क्योंकि मैंने टनलिंग कर दी है इसके साथ, और हम एक एक इंटेंट को अब इस पे चेक भी कर रहे हैं। बुक रूम इंटेंट पे हम आ जाते हैं अब, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई आस्क इंजमाम मलिक टू बुक अ रूम एंटर फॉर हाउ मेनी पीपल, मेरा फोर पीपल। व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू रिजर्व फॉर फोर पर्सन, वी हैव इकोनॉमी स्टैंडर्ड एंड लक्जरी रूम्स। स्टैंडर्ड रूम्स। Please tell me when you are coming. I'm coming after 3 days from now. Okay. Standard room for 4 people. How many days? 5 days. Your hotel booking is completed. ठीक है जी, तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये पूरा डेटा आ चुका होगा क्योंकि अभी मेरे सर्वर पे सारा अभी यहीं तक हमने किया था। इसके बाद इस डेटा को MongoDB में पुट करना था, वो हमने नहीं किया था। तो अच्छा, ये जो डेटा है मेरे पास ये पूरा यहाँ पे आ चुका है। मेरे पास ड्यूरेशन, नंबर ऑफ पीपल, रूम टाइप, अराइवल डेट, और फिर अगेन नंबर ऑफ पीपल, और अगेन सारी चीजें। तो चार हमारे पास टोटल पैरामीटर थे, जो चारों पैरामीटर मेरे पास यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मुझे ये करना है कि इसमें MongoDB को कनेक्ट करके हमें ये डेटा MongoDB में डालना है। अच्छा, तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि टाइम हमारे पास शायद अभी बचा नहीं है, तो क्या कहेंगे आप लोग कि आज के लिए ज्यादा तो नहीं हो गया कहीं? नहीं नहीं, we can go like, ज्यादा तो नहीं लगेगा ना, उसके 15-20 मिनट में हो जाएगा आगे वाली भी। नहीं, 15-20 मिनट में नहीं होगा, असल में हम MongoDB हमने पहले पढ़ा नहीं है ना, क्या पढ़ा हुआ है? अच्छा, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि हम MongoDB ना फ्रॉम स्क्रैच करें, क्योंकि MongoDB क्लाउड पे हम सारी चीजें नए सिरे से सेटअप करें, ताकि जो है ना जो पहले से भी जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनका भी रिवाइज हो जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि हम ना ये आज की क्लास में नहीं करते हैं, आज की क्लास में इतना आप करें, बल्कि आज की क्लास में एक असाइनमेंट देता हूं आपको मैं, ठीक है, जो हमने कर लिया है ऑलरेडी, इसी से रिलेटेड एक असाइनमेंट देता हूं मैं आपको कि कोई यार अच्छी सी API बताओ, जैसे अभी वेदर की API है ना, इस तरह कोई और दूसरी API बताओ। पता है किसी को? एक कोविड ट्रैकर की भी API है, पता है किसी को वो कौन सी वाली है?
कोविड यस सर ट्रैकर एपीआई। अच्छा ये मेरा ख्याल है यही है covidtracking.com/API। यूएस के लिए दिखा रहा हूँ। स्टेट करंट एंड हिस्टोरिकल डेटा। यार किसी को कोई ऐसी कैसी वो पता है एपीआई जिसमें मैं कंट्री वाइज ये चीजें गेट कर सकूं? ये आ गई covid-19-india। रैपिड एपीआई अपनी स्क्रीन वापस अटक गई। चल चल अच्छा ये जो एपीआई आपने भेजी है ये डेटा कैसा देती है? नहीं ये तो कुछ और है। अच्छा खैर मेरा ख्याल है काफी सारी एपीआई है क्योंकि जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो काफी सारी एपीआई मुझे शो हो रही है। तो आपने क्या करना है आपने एक अलेक्सा की स्किल बनानी है जिससे मैं पूछूं जिसका नाम आपने रखना है कोविड ट्रैकर। ठीक है कोविड ट्रैकर उसका नाम रख लें या जो भी आपको बेहतर नाम लगे वो नाम रख लें और मैं कहूंगे यार अलेक्सा टॉक टू कोविड ट्रैकर तो वो आपको बोले कि यार मैं जो है ना एक आपकी वर्चुअल असिस्टेंट हूं और मैं आपको ना किसी भी कंट्री में आप पूछोगे कि क्या है कोविड के हालात तो वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है तो फिर बंदा सामने से उसको बोले कि यार प्लीज टेल मी ठीक है हाउ मेनी पीपल आर डाइड इन यूएसए ऐसे करके बोले तो वो क्या करे यूएसए का डेटा निकाले और जो लोग डाइड हुए हैं उनका नंबर मुझे बता दे। ठीक है अच्छा अगर बंदा बोले कि व्हाट इज द सिचुएशन इन यूनाइटेड स्टेट या टेल मी कोविड सिचुएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जस्ट वो इतना बोले तो फिर मुझे वो तीनों बताए कि इतने लोग इन्फेक्टेड हैं जिनमें से इतने लोग जो है वो रिकवर हो गए हैं और इतने लोग डाइड हो गए पूरा मुझे बताए। ठीक है तो ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ये वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गया तो आप बाद में उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बात की है। तो इस तरह से जितनी भी कंट्री दुनिया में है जाहिर है एपीआई होगी तो वो दुनिया की हर कंट्री का डेटा मुझे दे रही होगी। तो इस तरह करके आपने क्या बनाना है एक अदद अलेक्सा की स्किल बनानी है जो नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा आपसे। ठीक है एपीआई कॉल करना आप देख चुके हैं डेटाबेस हमारा रहता है वो इनशाला अगली क्लास से हम डेटाबेस करेंगे और फिर डेटाबेस करने के बाद और दो चार चीजें वो कंप्लीट करके फिर हमारा अलेक्सा को हम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी तो फिर इजाजत चाहूंगा मैं आप लोगों से आज की क्लास के लिए।